राइट right. good evening everyone. Welcome back to the Learnify Labs guys. Good evening every everyone. क्या हाल चाल है गुड इवनिंग कौन कौन आ चुका है चंद्रकांत स्वाति मैम पूछ मैम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस का है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एप्लीकेशन के बाद में आएंगे अगर तुमने मुझे शुरू से फॉलो किया तो आई थिंक यू नो दैट मैं हमेशा पहले एप्लीकेशन करवाती हूँ ठीक है हमेशा एप्लीकेशन पहले करवाती हूँ ताकि ना तुम्हें इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या क्या करती है ठीक है

लेस uh, आज का सेशन लंबा होगा अराउंड टू टू एंड हाफ आवर्स एट लीस्ट बिकॉज वी विल बी कम्पलीटिंग दिस चैप्टर टू ठीक है हाई एवरी वन इंटरेस्टिंग है ना मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है चलो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज एंड यू नो यू हैव टू फॉलो मी ऑन द टेलीग्राम एंड इंस्टा ठीक है इसके नोट्स भी इसके बाद अपडेट हो जाएंगे लेट्स गेट स्टार्टेड रेडी विद एन सी आर टी सुपर चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले हमारे लिए क्या क्या कर सकती है किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को आज हमने पढ़ना है पहले तो देख लेते हैं ये सो so, हम पढ़ेंगे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इसने हमारे लिए क्या क्या किया ठीक है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इन द फील्ड ऑफ एनिमल्स बायोटेक्नोलॉजी हैज सपोर्टेड आस ठीक है वैसे तो जब बायोटेक्नोलॉजी नाम आता है ना तो दिमाग में ऐसा लगता है कि अच्छा पता नहीं कितनी खतरनाक चीजें बन जाएंगी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत स्पेशल चीजें भी बनाई हैं लेकिन बायोटेक्नोलॉजी इज़ नॉट एज खतरनाक एज वी थिंक ऑफ बहुत बेसिक और क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमारी अपनी किचन में होती है ठीक है सो so, हमारी जो किचन है ना वो एक छोटी सी बायोटेक्नोलॉजी की लैब है जहाँ पे कर्ड बन रहा है जहाँ चीज़ बन रहा है ठीक है uh, अगर आप बेक करते हैं तो जहाँ पे ब्रेड बन रही है क्लियर सो वॉट इज एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी नाम देखो बायो एंड टेक्नोलॉजी तीन वर्ड्स हैं यहां पे ठीक है बायोटेक एंड ऑलोजी ऑलोजी का मतलब होता है स्टडी टेक्नोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टेक्निक्स राइट बट वॉट डस टेक्नोलॉजी मीन्स यानी यहां पे हम बायोस यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की टेक्निक्स को स्टडी करने वाले हैं हाउ डीज बायो हाउ डीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस सो मेनी वंडरफुल थिंग्स फॉर आस बेसिक थिंग्स फॉर आस लाइक चीज You know, uh, buttermilk, all these things as well, alcohol, right? Antibiotics. एंटीबायोटिक्स तो ये सारी चीज़ें living organisms किस तरह से हमें बना के देते हैं ये है biotechnology, ठीक है इसको आर डी एन ए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो कैसे बनता है दैट आई एल आंसर इन द डिफरेंट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी एप्लीकेशन कि इसने एग्रीकल्चर में मेडिसिन में और एनिमल्स के फील्ड में हमें क्या क्या बना के दिया है ऑलरेडी ठीक है इज दिस चैप्टर टफ दिस चैप्टर इज नॉट टफ इट दिस चैप्टर हैज़ मोर रटाफिकेशन एज वेल ठीक है अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रटाफिकेशन भी है क्योंकि एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है ठीक है चलो हाई एवरी वन ओके सेशन को शेयर करना मत भूलना कईयों ने अभी नोटिफिकेशन के लिए बिल uh, का लिंक वो हिट नहीं किया हुआ है सो प्लीज़ डू दैट सो दैट यू गेट ऑल द नोटिफिकेशन टाइम क्लियर चलो येस <coughs> yes. तो so, सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में हमें बायोटेक्नोलॉजी की क्यों ज़रूरत पड़ी अच्छा खासा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ठीक है ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हाई यील्डिंग वेराइटी क्रॉप्स यूज़ की लेकिन फिर भी ग्रीन रेवोल्यूशन हर बंदे को हर फार्मर को सपोर्ट नहीं कर पाया था बहुत सारे रीजंस जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं देव महंगा देवर वेरी दे वर नॉट पॉकेट फ्रेंडली दे वर नॉट by by all the farmers number वन दूसरी चीज़ कि ये जो fertilizers हैं इनके gradually side effects भी दिखने शुरू हो गए ठीक है तो फिर हमारे बचाव के लिए आई biotechnology तो आप देखते biotechnology बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया, किया देखो सो so, हम जब एग्रीकल्चर करते हैं ना गैस तो हम एग्रीकल्चर में अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं समझ लो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या होता है आप केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हो ऑर्गेनिक कल्चर कर सकते हो जिसमें कि हम ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे मेन्योर यूज़ करेंगे ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग और तीसरा प्रोडक्शन को यील्ड को एनहांस करने के लिए हमारे पास तीसरा तरीका है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स यूज़ करना ठीक है तो अब यहां पे सामने लिखते जाओ अपने बुक्स में साथ साथ एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में वी यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स ठीक है पर इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं और ये हर फार्मर के लिए अफोर्डेबल नहीं है ऑर्गेनिक कल्चर इसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे ऑर्गेनिक मेन्योर वगैरह यूज की जाएगी ठीक है जेनेटिकली इंजीनियर्ड में अब यूज होगा बायोटेक्नोलॉजी आर डी एन ए टेक्नोलॉजी से बनाई गई क्रॉप्स क्लियर सो so, यहां पर हम आर डी एन यूजिंग आर डी एन ए टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रॉप्स ठीक है एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ग्रीन रेवोल्यूशन किसको सपोर्ट करती है ग्रीन रेवोल्यूशन इसके अंडर आती है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सो ग्रीन रेवोल्यूशन में लेट्स हाईलाइट दिस एक सेकेंड आज बोर्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है नहीं सो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्रॉप प्रोडक्शन को एनहांस किया गया अरे यार आज कुछ तो गड़बड़ हो रही है बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स एज आई हैव मेंशनड हियर ठीक है फूड सप्लाई ट्रिपल ज़रूर हो गई थी बट वॉज नॉट इनफ फॉर ऑल द पीपल क्योंकि इंडिया एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन है दूसरा ये जो एग्रोकेमिकल्स थे दे वर टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स टू अफोर्ड एंड ऑल्सो दे आर नॉट पॉसिबल विद कन्वेंशनल ब्रीडिंग कि ये जो यील्ड है इसको कन्वेंशनल ब्रीडिंग से आप इम्प्रूव नहीं कर सकते थे यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेना यहाँ पे जिन स्टेट्स में गाइस, जिन स्टेट्स में ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज्यादा थी दैट वॉज पंजाब एंड कर्नाटका उन स्टेट्स में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे दैट वॉज अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स दैट वॉज हैपनिंग ठीक है हाँ जी ठीक है तो ये पॉइंट जरूर ऐड कर लोगे देवर देवर साइड इफेक्ट्स हेल्थ रीजन से क्लियर तो ये कैम ग्रीन रेवोल्यूशन ने किया हमारे पास ये तीन तरीके हैं जिनसे कि हम प्रोडक्शन को एनहैंस कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में हम कौन कौन सी क्रॉप्स बना सकते हैं और हमने कौन सी क्रॉप्स बनाई हैं ठीक है इज इट अनाफ फॉर टर्म टू बिकॉज आई एम न्यू दिस चैप्टर दिस इज एब्सोल्यूटली फॉर टर्म टू ठीक है मैं टर्म टू के हिसाब से भी करवा रही हूँ नीट की भी क्विक रिविजन हो जाएगी डिटेल्स में करवाऊंगी और डिटेल में करवाऊंगी बट दिस इज़ क्विक रिविजन विच विल हेल्प यू फॉर टर्म टू डेफिनेटली ठीक है आ जाओ अब देखो अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं वो मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करने में हेल्प करती हैं नंबर वन इसके अलावा और क्या क्या इन्होंने हेल्प किया है सो न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव किए तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसी क्रॉप्स बनाई है गए जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है यानी जिसमें ज़्यादा आयरन कंटेंट है जिसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा है जिसमें विटामिन ए का अमाउंट ज़्यादा है फॉर एग्जाम्पल विटामिन एंड रिस्ड राइस आई थिंक ये सबको पता होता है इसकी एग्जाम्पल क्या है गोल्डन राइस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरली सबको आता होता है ठीक है ना तो ये गोल्डन राइस बनाया गया ये गोल्डन राइस एक्चुअली येलोइश कलर के होते हैं कैसे बनाए गए क्या किया सब बात करेंगे देन जिसमें बेटर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकती है नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटर होगी तो प्रोटीन्स का अमाउंट प्लांट्स के अंदर ज़्यादा होगा ठीक है देन दे आर मोर टॉलरेंट टू ए बायोटिक स्ट्रेस अब जैसे अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो भी प्लांट्स डिस्ट्रॉय होते हैं बहुत गर्मी पड़ती है तब भी अब हमारी फसल खराब होती है क्लियर अगर पानी नहीं मिल रहा सूखा है ड्रॉट कंडीशन हैं तो प्लांट्स खराब होते हैं अगर सॉयल में एसिडिटी है सॉल्ट लेवल ज़्यादा है ठीक है तो भी प्लांट्स खराब होंगे क्रॉप खराब होंगी लेकिन बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने ऐसी वराइटीज बनाई हैं जो ये सारे स्ट्रेसेस को बहुत ईजिली हैंडल कर सकती हैं एंड सर्वाइव कर सकती है क्लियर देन रिड्यूज द रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स यानी पेस्ट रेजिस्टेंट बाहर से हमें कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड स्प्रे करने की यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो प्लांट्स नेचुरली रेजिस्टेंट बनाए गए हैं कैसे वील बी टॉकिंग अबाउट दीज एग्जाम्पल्स टू रिड्यूज द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हाउसी हमने क्रॉप को ऐसा बना दिया कि वो हाई यील्ड दे, ठीक है हमने उसको पेस्ट रिजिस्टेंट बना दिया हमने उसकी डिपेंडेंस कम कर दी ऑन दीज वाटर एंड मिनरल्स ठीक है जो कि सॉइल से लेता है वो डिपेंडेंस भी हमने कम कर दी सी इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय द प्लांट्स ठीक है हमने उसको डिजीज रेजिस्टेंट बना दिया ये सब कुछ हमने कर दिया लेकिन जब प्लांट को हमने सेव करना है हार्वेस्टिंग के बाद तो हार्वेस्टिंग के बाद भी प्लांट के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं प्लांट आ, बहुत सारी इन्फेक्शंस का शिकार हो सकता है तो वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने कुछ उसके अंदर फीचर्स इंट्रोड्यूस किए हैं ठीक है चलो सो माइक्रो प्रोपोगेशन फॉर बायोमास एनर्जी प्रोडक्शन यानी ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जिनसे कि हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं ठीक है जैसे जट्रोफा शुगर केन इनका नाम तुमने सुना है फॉर बायोफ्यूल्स बायो पेट्रोलियम तो एवरी प्लांट नॉट डू दैट फॉर अस लेकिन हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ऐसे भी प्लांट्स और बनाए हैं और जिनमें ऑलरेडी बायोफ्यूल्स बनाने की कैपेबिलिटी है कैपेसिटी है उनकी उस कैपेसिटी को एनहांस किया है आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है ये समझ में आ गया सबको जल्दी से बता दो हाई हाय विकास हाँ जी और लीज पॉइंट्स क्लियर तो ये सारे यूजफुल एस्पेक्ट्स हैं जीएम प्लांट्स के जीएम फॉर जेनेटिकली मॉडिफाइड तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने जितने भी प्लांट्स में थोड़ा बहुत जो भी चेंज किया उन सबको हम क्या कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या फिर ट्रांसजेनिक्स भी बोल सकते हैं क्लियर हो गया ठीक है ऑल राइट सी अब एग्जाम्पल्स पे आ जाओ हमने यह देख लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है अब कौन कौन सी क्रॉप्स बनाई गई हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्सर नंबर वन वी हैव गोल्डन राइस ठीक है वी हैव गोल्डन राइस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लेवर सेवर राइट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट बी टी क्रॉप्स एंड वील बी डिस्कसिंग अबाउट ट्रांसजेनिक टोमेटो टोबैको सॉरी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ट्रांसजेनिक टोबैको ठीक है इनमें से जो बी टी क्रॉप और ट्रांसजेनिक टोबैको है दीज आर पेस्ट रेजिस्टेंट दीज आर बेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप यह भी पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप है और ये भी पेस्ट रेजिस्टेंट है ठीक है यानी इनके ऊपर पेस्ट का अटैक हो ही नहीं सकता ये दे आर सेल्फ केपेबल और प्रोटेक्टिंग गोल्डन राइस में फोर्टिफिकेशन की गई है फोर्टिफिकेशन का मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशनल एनहांसमेंट की गई है कैसे दिस इज ए एनरिच्ड ठीक है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि ओवरऑल वर्ल्ड में विटामिन ए की डेफिशिएंसी को हटाने के लिए कौन सी क्रॉप यूज की जा रही है दैट इज गोल्डन राइस आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है एंड देन वी हैव फ्लेवर सेवर नाम से याद रखना इस फ्लेवर सेवर में दो चीज़ें हैं एक इट हैज इम्प्रूव्ड फ्लेवर इट्स बेटर इन टेस्ट एंड सेकेंड इट इज सेव्ड ऑल्सो अब सेव किसके किससे किया है तुमने ये जो फ्लेवर सेवर है ये जल्दी राइपन नहीं होता ये जल्दी खराब नहीं होता यानी इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज मच बेटर दैन देसी टमाटर ठीक है सो इट हैज इंप्रूव एंड इंक्रीज शेल्फ लाइफ तो ये जल्दी राइपन नहीं होता है ठीक है ये इनके बेसिक फीचर्स हैं जिनकी वजह से इनको बनाया गया क्लियर अब ये कैसे बनाए गए दैट विल टॉक अबाउट इन डिटेल ये पॉइंट्स तुम्हें क्लियर होने चाहिए कौन-कौन से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं किसमें क्या किया गया है एंड कौन सा बायो क्रॉप आप यूज करते हो क्लियर हो गया ठीक है आर दीस पॉइंट्स क्लियर हां जी चलो अब लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन सबसे पहले आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स तो दो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स जिनकी हमने बात करनी है

बीटी में बीटी किस चीज के लिए स्टैंड करता है अब क्रॉप्स का नाम बीटी क्रॉप्स क्यों रखा तुमने क्योंकि इन क्रॉप्स के अंदर इस बैक्टीरिया का एक जीन हमने डाल देना है ठीक है तो ये क्रॉप्स कौन सी हैं ये क्रॉप्स वो हैं विच कंटेन अ जीन ऑफ दिस बैक्टीरिया ऑफ बैक्टीरिया और उस बैक्टीरिया का नाम नाउ यू नो इज दिस पॉइंट क्लियर अब क्यों बनाई गई देखो पहले इस बैक्टीरिया को थोड़ा सा समझ लेते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर लेट मी ड्रॉ दिस बैक्टीरिया तो देखो ये एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरजेनेसिस इसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही है ना और तुम्हें पता है बैक्टीरिया के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाजमेट ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाजमेट इसके जिनोम में से गाइस, इसके जिनोम में से हमने एक जीन निकाला मान लो दिस इज दैट जीन वी कॉल इट जीन वी कॉल इट जीन, ठीक है अब इस बैसिलस जेनेसिस के जिनोम में से हमने एक जीन निकाला न वॉट डज दिस जीन डू दिस क्राएजीन इज रिस्पॉन्सिबल दिस क्राईजीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन सो ऑफकोर्स वही मैकेजम रहेगा कि डी एन ए से पहले एम आर एन ए बनता है एम आर एन ए के बाद फिर प्रोटीन्स की अकोर्डिंग होती है यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन बट अल्टीमेटली जीन से अल्टीमेटली क्या बनेगा प्रोटीन बनेगा जीन और प्रोटीन का नाम सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग रहेगा जीन का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखेंगे और प्रोटीन का नाम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से स्टार्ट होता है नाउ दिस इज वेयर एनादर क्वेश्चन क्वेश्चन ये बनता है दैट क्राई एंड क्राई आर डैश रिस्पेक्टिवली तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल सी वाला जो क्राई है दिस इज अ प्रोटीन एंड द स्मॉल सी वाला इज अ जीन ठीक है याद रख लो नाम छोटा है तो सी भी छोटा रहेगा इसका ठीक है याद रखने का तरीका है नो लॉजिक बिहाइंड इट हाय अंशु चलो अब देखो तो इस जेनेसिस के अंदर एक क्राई जीन है जो कि क्राई प्रोटीन बना रहा है क्लियर नाउ व्हाई डू वी कॉल इट क्राई वी कॉल इट क्राई हियर बिकॉज इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर तो क्राई स्टैंड फॉर द क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ द प्रोटीन ठीक है दिस प्रोटीन हैज क्रिस्टलाइन नेचर तो हम क्रिस्टलाइन से उसको इन शॉर्ट क्राय बोल देते हैं क्लियर अच्छा यहाँ पे ना एक बच्चा कह रहा है कि मैम मुझे डिटेल्स वाली पढ़नी है बच्चा ये डिटेल्स हैं पहले एन का लेवल बना लो ये सारी आज मैं एन डिटेल में करा रही हूँ ठीक है एन के अलावा जो एक्स्ट्रा दो तीन परसेंट हमने करना होता है वो हम धीरे धीरे करेंगे क्लियर बट एन पूरी डिटेल में करा रही हूँ टाइम चाहे तीन घंटे लग जाए आज चार घंटे आज हम ये करके ही जाएंगे क्लियर नाउ सी सो जीन सॉरी क्रॉप्स कौन सी है बीटी क्रॉप्स हैं क्यों बी टी बोलते हो क्योंकि उसके अंदर बीटी का एक जीन डाला गया है अब पहले जीन की सॉरी बैक्टीरिया की बात करते हैं बैक्टीरिया उसके पास अपना डीएनए है उनमें से एक जीन ऐसा है जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन बना सकता है सो वी कॉल जीन एज क्राई जीन एंड प्रोटीन एज क्राई प्रोटीन स्टोरी क्लियर ओके अब ये जो प्रोटीन बनता है ना गैस ये जो प्रोटीन बनता है दिस इज इनएक्टिव इन नेचर दिस इज इनएक्टिव सो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रोटोक्सिन इसको हम क्या बोल सकते हैं प्रोटोक्सिन इट इज टॉक्सिक बट इनएक्टिव सो वी कॉल इट प्रोटोक्सिन फाइन अब ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में जाके एक्टिवेट होता है ठीक है सो so, ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में जाके ही एक्टिव होगा दिस इज फिलहाल इनएक्टिव एंड इट विल बिकम एक्टिव इन द एल्कलाइन मीडियम एक्टिव ठीक है जब एक्टिव हो जाएगा तब हम इसको टॉक्सिन बोलते हैं तो आपको इस प्रोटीन के दो फीचर्स याद रखने हैं. नंबर वन इट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर नंबर टू इट इज टॉक्सिक इन द एल्कलाइन मीडियम ये चीज हमें इस बैक्टीरिया की समझ में आ गई क्लियर अब हमने क्या किया हमने इस बैक्टीरिया का ये जीन निकाल के डाल देना है अपनी क्रॉप्स में और हमारी क्रॉप्स क्या कहलाएंगी बीटी क्रॉप्स सो दिस क्राइजीन इज एक्सट्रैक्टेड एंड एडेड इन दीज क्रॉप्स क्लियर क्राइजीन को एक्सट्रैक्ट किया एंड एडेड इन क्रॉप्स तो क्रॉप्स क्या कहलाएंगी बी टी क्रॉप्स समझ में आया क्यों किया हमने अब ये जो भी हमने क्रॉप्स बनाए हैं इन क्रॉप्स के एग्जाम्पल देखो ठीक है सो आई एल राइट डाउन फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दीज बी टी क्रॉप्स हियर सी बी टी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए नंबर वन वी हैव बी टी कॉटन बी टी राइस ठीक है बी टी मेज या कौन एक चीज लिख लेंगे बीटी ब्रिंजल ब्रिंजल मूंग बीटी टोमेटो तो बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर की इनको इंट्रोड्यूस किया गया है आठतीस पॉइंट्स क्लियर तो वो हर क्रॉप जिसमें कि इस बैक्टीरिया का जीन है विल बी नोन एज बीटी क्रॉप दीज आर द एग्जाम्पल्स एनादर क्वेश्चन कि इन क्रॉप्स में से कौन सी क्रॉप है जिसको लाइसेंस मिल गया है एंड विच इज बींग ग्रोन बाय द इंडियन फार्मर्स आंसर इज बी टी कॉटन बाकी की अभी अंडर स्टडी है ठीक है सो बी टी कॉटन दिस वन हैश टैग इज ग्रोन बाय इंडियन फार्मर्स ग्रोन बाय इंडियन फार्मर्स और किसी को अभी लाइसेंसिंग नहीं मिली है ठीक है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको डन चलो बी टी कॉटन बट राइस बट मेज बी टी ब्रिंजल यस वी ऑल हैव इट बट इकलौती जो इंडियन फार्मर्स ग्रो कर पा रहे हैं अभी दैट इज़ बी टी कॉटन क्लियर अब नेक्स्ट पॉइंट अब हमने क्या किया ये कैसे बी टी क्रॉप्स बनाई जाती है सो so, आ जाओ एक और एग्जाम्पल देते हैं तो हमने क्या करना है हमने इस बैक्टीरिया में से पहले बी टी निकालना है ठीक है सो दिस इज दैट bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis और प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ हम इसमें से क्राइजीन निकालेंगे क्राइजीन एक्सट्रैक्ट करेंगे क्राइजीन को एक्सट्रैक्ट करके हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं गैस अपने प्लांट के अंदर ठीक है तो मान लो कि ये हमारे पास ये हमारे पास एक प्लांट है ठीक है, विच इज नॉर्मल प्लांट नॉर्मल प्लांट फाइन अब इस जीन को मैंने इसके अंदर जब इंट्रोड्यूस किया तो ये प्लांट तब जाके कहलाएगा हमारा दिस विल देन बिकम बी टी क्रॉप ठीक है बीटी क्रॉप अब ये इंट्रोड्यूस करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं ठीक है इसको इंट्रोड्यूस करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके नंबर वन विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर ठीक है तो ये ट्रांसफर जो है ये कई लेवल्स पे हो सकता है ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ बाय या विद द हेल्प ऑफ वेक्टर ठीक है या फिर हम जी बायोलिस्टिक्स यूज कर सकते हैं यानी जीन गन्स यूज कर सकते हैं समझ में आ गया अब जो हम वेक्टर यूज़ करेंगे यहाँ पे वो होगा प्लाज्मिड और वो प्लाज़मिड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें कि हम यहाँ पे किसका वेक्टर यूज़ कर रहे हैं किसका प्लाज़मिड यूज़ कर रहे हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का दिस इज़ अगैन एन बैक्टीरिया विच विल बी यूज टू ट्रांसफ़र जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इन टू द प्लांट प्लांट्स में हम मोस्टली जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबीफेसियंस का ही यूज़ करेंगे क्यों करेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में यानी अपना बेस मेन जो स्टार्टिंग वाला चैप्टर है आर दिस पॉइंट्स क्लियर नाउ अब होता क्या है अब देखो इन प्लांट्स को इन प्लांट्स को कभी भी जो लेपिडॉप्ट्रंस हैं जो कॉलियॉप्ट्रंस हैं जो डिप्ट्रंस हैं वो खा नहीं सकते नाउ दिस क्रॉप विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड

एंड डिप्टरेंस यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा कि ये जो बी टी क्रॉप्स हैं ये प्लांट ये इंसेक्ट्स की कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट इफेक्टिव रहती है सो दीज आर द्री ऑर्डर रिजिस्टेंट फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट ऑफ थ्री ऑर्डर्स इन तीन ऑर्डर के इंसेक्ट्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव रहेंगी कौन कौन सी है वी हैव लेपिडॉप्टर वी हैव कॉलिप्टर वी हैव डिप्टर

एंड डिप्ट में आएंगी फ्लाइज एंड मस्कीटोज अतीस पॉइंट्स क्लियर ठीक है तो ये तुम्हें याद रखना है कि बीटी क्रॉप्स कौन से तीन ऑर्डर्स के अगेंस्ट इफेक्टिव रहती हैं लेपिडॉप्टन कॉली एंड डिप्टर एंड वॉट आर द एग्जाम्पल्स क्लियर एक और चीज़ ये जो क्राइजीन है अलग अलग इंसेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह के क्राइजींस अवेलेबल हैं ठीक है थीके? और अलग अलग जीन्स विल फॉर्म डिफरेंट प्रोटीन्स एंड दे विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स क्लियर नाउ सी ये जो हमारे पास क्राय जीन है इसकी हमारे पास तीन फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं ठीक है वी हैव थ्री फॉर्म्स ऑफ दीज इधर लिख लेते हैं एंड नाउ योर होमवर्क इज टू फाइंड द थ्री टाइप्स ऑफ दीज जीन ये इसकी तीन टाइप्स जो है ये तुम फाइंड आउट करोगे और वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव है चलो ये मैं टाइप्स बता देती हूँ वन क्राई टू ए बी एंड क्राई वन ए सी ठीक है दीज आर द थ्री डिफरेंट फॉर्म्स एंड ये किस किस के अगेंस्ट इफेक्टिव रहती हैं ये तुम फाइंड आउट करोगे दैट इज़ योर असाइनमेंट फॉर द डे क्लियर हो गया और थॉपट्रंस नहीं रखना है ऑर्थॉप्ट के अगेंस्ट नहीं है इट इज लेपिडोप्टिप्ट ठीक है नो ऑर्थॉप्ट्रंस डन ना सी सो इस तरह से हमारी बनती है बी टी क्रॉप्स ना हाउ आर दे इफेक्टिव देखो इस नॉर्मल प्लांट को तो जो कीड़ा है जो यानी कि ये सारे इंसेक्ट्स हैं ये आके इजिली खा सकते हैं सो दीज नॉर्मल प्लांट्स आर इजिली ईटन बाय इजिली ईटन बाय इंसेक्ट्स ठीक है बट जब ये प्लांट बीटी क्रॉप बन जाती है तो होता क्या है होता ये है कि इंसेक्ट के मिड गट के अंदर गैज होता है एल्कलाइन मीडियम नाउ सी जब ये कीड़ा ना दिस इज दैट इंसेक्ट वेन दिस इंसेक्ट विल ईट दिस बीटी क्रॉप वॉट विल हैपन जब इसको खाया जाएगा जो इसको खाया जाएगा तो क्राए प्रोटीन जो बना है क्राय प्रोटीन इसकी मिडगट में जाके एक्टिव हो जाएगा क्योंकि मिडगट एल्कलाइन मीडियम कंटेन करती है सो so ये कहाँ पे हो जाएगा इसकी मिडगट के अंदर एल्कलाइन मीडियम है दिस क्राय प्रोटीन विच वॉज इनएक्टिव विल नाउ बिकम एक्टिव ठीक है जो प्रोटीन पहले इनएक्टिव था अब क्या हो जाएगा एक्टिव हो जाएगा एंड वंस इट बिकम्स एक्टिव इट कॉज लाइसेस ऑफ the epithelial सेल्स तो इसके जो गट के इसकी एलिमेंट्री कैनाल के जो एपीथीलियल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा उसका लाइसिस कर दिया जाएगा लाइसेस ऑफ एपीथीलियल सेल्स ऑफ गट एंड देर फॉर द इंसेक्ट डाइज वेन वन इंसेक्ट डाइज आफ्टर ईटिंग अ पर्टिकुलर क्रॉप द मैसेज सेंड इन द होल ग्रुप कि हाँ इस चीज को नहीं खाना है आर दीज पॉइंट क्लियर ठीक है आर अर्धीज पॉइंट्स क्लियर तो ये था मकैनिज्म जिससे कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं कौन सी बी टी क्रॉप्स वंस अगेन क्विकली रिवाइज करते हैं बैक्टीरिया लिया जीन निकाला इस जीन को हम अलग अलग मकैनिज्म की हेल्प से नॉर्मल प्लांट में इंट्रोड्यूस करते हैं नॉर्मल प्लांट में जब ये जीन इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इट बिकम्स अ बी टी क्रॉप वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बी टी क्रॉप्स नाउ हाउ डज दीज बी टी क्रॉप्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द इंसेक्ट अटैक नॉर्मल प्लांट को इंसेक्ट आराम से खुशी से खाता है लेकिन जब वो बीटी क्रॉप पे फीड करेगा तो क्या होगा बीटी क्रॉप्स के अंदर वो जीन प्रेजेंट है क्राई जीन जो क्या बनाएंगी क्राई प्रोटीन तो जैसे ही इंसेक्ट इस प्रोटीन को खाता है उसके मिडगट में जाके ये एक्टिव हो जाएगा वाई बिकॉज मिड गट ऑफ इंसेक्ट कंटेन्स एल्कलाइन मीडियम एंड इट विल मेक द टॉक्सिन एक्टिव Which will cause lysis of the epithelial cells. Are these points clear? These points clear sabko. So that was BT crop. Now after this, we have another example, another example of a pest resistant plant, and which is transgenic transgenic tobacco. Okay, that is transgenic tobacco. जी जो नॉर्मल हमारी टोबैको प्लांट्स हैं उसके ऊपर एक मिलोइडिंग इनकोग्नीशिया नाम का नीमा टोड है दिस इज अ राउंड वर्म नीमा टोड ठीक है ये राउंड वर्म टोबैको की रूट्स को इन्फेस्ट करता है इट अटैक्स द रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट ठीक है अब यहाँ पे टैको प्लांट नंबर वन की मिल कौन सा नीमा टोड है मिलोयडिंग इन कॉग्नीशिया कौन से फाइलम को बिलोंग करता है एस्कलमेंथीज नीमा टोडा ठीक है किस पे अटैक करता है टुबैको प्लांट पे प्लांट के कौन से पार्ट पे अटैक करता है रूट्स पे आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है सो so, अब टुबैको की अगर रूट्स अटैक होंगी तो ऑब्वियसली दील्ड विल डिक्रीज ठीक है प्लांट विल बी डिस्ट्रॉयड अब इस नीमा से हम प्लांट को कैसे बचा सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी सो बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एक स्पेशल वैरायटी, स्पेशल क्रॉप बना के दी है स्पेशल फॉर्म ऑफ टोबैको बना के दी है लेट्स सी कि उसके अंदर क्या मकैनिज्म यूज किया गया है नाउ सी अब ये जो ट्रांसजेनिक टोबैको है यहां पे गए ना दिस इज रेजिस्टेंट

तुम्हें सेंट्रल डॉगमा पता है सेंट्रल डॉगमा मतलब यू नो हाउ द इंफॉर्मेशन फ्लोज विद इन द सेल पहले डीएनए होता है डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए के बाद क्या बनेंगे प्रोटीन्स बनेंगे फाइन हमने इस नीमा को पहले स्टडी किया क्लियर हमने इस नीमा को जब स्टडी किया तो देखो क्या पता लगा नीमा की स्टोरी बता रही हूँ इस नीमा का अपना डीएनए है

हमने ये आर एन ए इंटरफेरेंस की जो टेक्निक यूज़ की है हाउ इज़ दिस गोइंग टू हेल्प इस आर एन ए टेक्निक के अंदर गायज़ हम क्या करते हैं हम ये जो डबल स्ट्रैंडेड डी एन ए हैं इसमें से एक सेंस स्ट्रैंड होता है एक एंटी सेंस होता है है ना सो so, सिर्फ सेंस के अगेंस्ट एम आर एन ए बनता है और एंटी सेंस के अगेंस्ट नहीं बनता नाउ वट डिड वी डू हमने क्या किया यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ RNA interference, इंटरफेरेंस हमने ऐसा एक मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट एमआरएनए बनेगा ठीक है नाउ सी व्हाट डिड वी डू हमने प्लांट लिया ये प्लांट का सेल है अब देखो ये प्लांट सेल है कौन सा प्लांट टोबैको का ठीक है अब ये जो प्रोटीन्स नीमा टोड़ के प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे हमने उसमें से वो जीन को स्टडी किया और उसको उठा के डाल दिया अपने प्लांट के अंदर क्लियर सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जीन नाउ इनटू द प्लांट सेल इन सच अ वे दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लांट सेल नाउ इन सच अ वे इंट्रोड्यूसड इन प्लांट ठीक है, इन साचो वे कि यहां पे ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसके दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट अब एमआरएनए बनेगा, ठीक है? इनमें से सेंस ये है और ये एंटी सेंस है क्लियर बट अब होगा क्या यहां पे? कि यहां पे अब दोनों के अगेंस्ट एमआरएनए बन रहा है सो so, यहां कैसा एमआरएनए बन रहा है डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए ना दिस इज डिफरेंट ठीक है सो टेक्निक ने क्या किया हमारे लिए टेक्निक ने जो एम आर एन ए सिंगल बनता है यूजली अब यहाँ ऐसी टेक्निक यूज की गई है कि यहाँ डबल स्टैंडर्ड डी एन ए के लिए डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए बनेगा क्लियर अब जब डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए बन रहा है तो ये डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर जब डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए होगा तो वो टी के साथ बाइंड नहीं कर सकता ठीक है राइबोजोम्स के साथ बाइंड नहीं कर सकता एंड नाउ देर विल बी नो ट्रांसलेशन देर विल बी नो ट्रांसलेशन ये पॉइंट क्लियर हुआ फाइन सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आर एन ए इंटरफेरेंस यूज करके वी आर साइलेंसिंग वी आर साइलेंसिंग ट्रांसलेशन वी आर स्टॉपिंग द प्रोटीन प्रोडक्शन फ्राम हैपनिंग और अगर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो वो जो नीमा टोड है वो प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता तो हमने नीमा टोड को स्टडी किया नीमा टोड का जीन इंट्रोड्यूस कर दिया अपने टोबैको प्लांट के अंदर और इस टोबैको प्लांट में जब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया सो दलेबोरेट प्रोसेस तो वो जो डबल स्टैंडर्ड डी एन ए हैं अब दोनों स्ट्रैंड के अगेंस्ट हमारे पास एम आर एन ए बन रहा है विच इज़ नॉट द यूजल केस यूजली एक स्ट्रैंड के अगेंस्ट बनता है लेकिन यहाँ पे अब दोनों स्ट्रैंड्स के अगेंस्ट एम बनेगा सिंस डबल स्ट्रांडर्ड एम आर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर क्लियर सो देर विल बी नो ट्रांसलेशन इट कैनॉट बाइंड टू द राइबोजोम्स देर विल बी नो ट्रांसलेशन नो प्रोटीन सिंथिस एंड हैंस वॉट विल हैपन नो प्रोटीन्स मीन्स नो डैमेज टू द क्रॉप अब अगर कोई भी नीमा इस प्लांट को खाने आता है तो इट्सल्फ इट विल बी डिस्ट्रॉयड Is this clear? हाँ जी इसमें पूरा चैप्टर करा रही हूं कृतु मैं, ठीक है पूरा चैप्टर करा रही हूँ। ये पॉइंट क्लियर हो गया सो so, ये जो मेथड हमने यूज किया है ये मेथड आरएनए इंटरफेरेंस का है व्हाट इज दिस मेथड आरएनए इंटरफेरेंस अब ये किसी के दिमाग में क्यों आया See, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक ऑलरेडी हमारे सेल्स के अंदर होती है दिस टेक्निक इज यूज इन ऑल द यू सेल्स ये हमारे सेल्स का इम्यून सिस्टम है एक तरह का यानी ओवरऑल तो बॉडी का इम्यून सिस्टम तुमने पढ़ा है राइट right? लेकिन हर एक सेल के पास भी अपना इंडिविजुअल एक छोटा छोटा सा मकैनिज्म है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द वायरल अटैक सो ऑल द यू सेल्स यूज इन ऑल द यू सेल्स एज मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस तो ये सेल्स यूज करते हैं डिफेंस के लिए और किसके अगेंस्ट अगेंस्ट वायरसेस अगेंस्ट वायरसेस आर दीज पॉइंट्स क्लियर तो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है ठीक है तो व्हाट डज दिस टेक्निक इन्वॉल्व इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसलेशन आरएनए इंटरफेरेंस क्यों बोला गया क्योंकि हमने आरएनए को इंटरफेयर कर दिया एंड वी हैव स्टॉप द आरएनए फ्रॉम फॉर्मिंग द प्रोटीन्स आर दीज पॉइंट्स क्लियर डन चलो नाउ, नेक्स्ट सो दिस वॉज द टोबैको प्लांट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कौन सा नीमा है uh, कौन से प्लांट को प्लांट के अगेंस्ट उसको हम बना रहे हैं किस पे अटैक करता है कौन से पार्ट पे अटैक करता है ऑल दिस इज रिक्वायर्ड कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं आर इंटरफेरेंस की क्या करती है ये टेक्निक साइलेंस कर देती है ट्रांसलेशन को प्रोटीन सिंथेसिस को नहीं होने देती ठीक है और ये हमें कैसे पता लगा कि ऐसा किया जा सकता है वी स्टडिड आर ओन सेल्स हमारे अपने सेल के अंदर हर एक यूक्रेटिक सेल के अंदर ये सेलुलर डिफेंस का मकानिज्म है और किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है वायरसेस के अगेंस्ट बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस इन टू वो भी हो जाएगा चलो सो दिसक होता क्या इसमें अब यहां हम डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए बनवाते हैं विच इज नॉट द यूजल केस ठीक है यूजली हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएन ए बनता है लेकिन यहां डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए बनेगा विच विल बी कॉम्प्लीमेंट्री राइट कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से वो आपस में बाइंड किए रहेंगे एंड देयर विल बी नो प्रोटीन सिंथिस डन ऑल राइट नाउ एनादर क्रॉप दैट वीव टॉकड अबाउट देखो हमने पेस्ट रेजिस्टेंट दो क्रॉप्स कर ली वन इज बी टी क्रॉप्स एंड सेकेंड इज इनकॉग्नेशिया सॉरी सेकेंड इज ट्रांसजेनिक टोबैको अगेंस्ट मिलोइडिंग इनकॉग्नेशिया थर्ड हमने ऐसी क्रॉप की बात करनी है जिसमें शेल्फ लाइफ इंक्रीज की गई है सो so, इस क्रॉप का नाम है फ्लेवर सेवर ठीक है एंड आईव ऑलरेडी टोल्ड यू फ्लेवर सेवर के अंदर दो चीजें हुई हैं एक तो शेल्फ लाइफ इंक्रीज की गई तो उसको हमने पकने से गलने से बचाया है वी हैव सेव्ड इट बाय इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ दूसरा उसका फ्लेवर एनहेंस किया गया सो हेंस द नेम नाम से याद रह जाएगा तुम्हें ठीक है अब क्या किया गया हाउ डिड वी डू दैट हाउ डिड वी डू दैट दैट इस पे पहुंचने से पहले जरा देख लेते हैं कि नॉर्मली जो राइपनिंग है वो कैसे होती है सो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इन वॉल्स वॉट तो तुम्हें पता होना चाहिए सेल वॉल का स्ट्रक्चर तुम्हें पता है कि जो सेल वॉल की मिडल ने मिला है उसमें कैल्शियम सॉल्ट होते हैं है ना कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट तो जैसे जैसे राइपनिंग होगी ये कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट दर वेरी हार्ड सॉल्ट्स ठीक है ये सॉल्ट्स डिजोल्व होने शुरू हो जाते हैं इन सॉल्ट्स की डिजोल्यूशन कराने के लिए दर इज़ वन एंजाइम विच इज़ रिक्वायर्ड ठीक है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट इन्वॉल्व डिजोल्यूशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट सॉल्ट्स ठीक है ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट सॉल्ट हैं इनको डिजॉल्व होना जरूरी है कहां पे प्रेजेंट होते हैं इन मिडल लेमेला ऑफ सेल वॉल मिडल लेमेला ऑफ सेल वॉल ठीक है अब ये डिजोल्यूशन कराने के लिए वी नीड वन एंजाइम सो डिजोल्यूशन रिक्वायर्स इट रिक्वायर्स एन एंजाइम known as पॉली This requires an enzyme. एंजाइम नाम के पीछे एज आया है तो enzyme ही होगा ठीक है ना So it requires this enzyme. समझ में आया अब एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स <coughs> हाँ जी और प्रोटीन्स जो हैं प्रोटीन्स आर ऑलवेज कोडेड by अल्टीमेटली DNA. यानी कि इस एंजाइम को बनाने वाला कोई ना कोई जीन होगा कोई डीएनए होगा हमने क्या किया हमने उस डीएनए को हमने सप्रेस कर देना है ना सी फ्लेवर सेवर के अंदर हमने क्या किया वी हैव सप्रेस्ड वी हैव ब्लॉक्ड या सप्रेस्ड कह लो ब्लॉक्ड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम वी हैव ब्लॉक्ड द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइम पॉलीगिलेक्टरोनिज जिसकी वजह से अगर जीन ब्लॉक हो गया है तो ना बनेगा ये एंजाइम, ना होगी डिसोल्यूशन, ना होगी राइपनिंग तो वो जल्दी गलेगा नहीं जल्दी राइपन नहीं होगा तो वो शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज हो जाती है आर आरधी पॉइंट्स क्लियर हां जी आरधीज पॉइंट्स क्लियर जल्दी से ये बता दो अर्धि पॉइंट्स क्लियर पॉलीग इलेक्ट्रोन इज यस ठीक है न चलो नाउसी सो राइपनिंग को इंक्रीज करने सॉरी राइपनिंग को ब्लॉक करने के लिए कम करने के लिए शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए जो एक जी एम ओ बनाया गया उसकी example है उसकी एग्जाम्पल तुम्हें याद रखनी रह है इट्स फ्लेवर सेवर इट्स अ टोमेटो ठीक है इट्स अ टोमेटो ऑलरेडी टोल्ड यू इट्स अ जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो टमाटर की एक टाइप है जो जल्दी गलता नहीं है क्या किया है तुमने उसके अंदर इस जीन को ब्लॉक कर दिया है कौन से जीन को विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंजाइम ठीक है हाउ डस दिस एंजाइम हेल्प यू दिस एंजाइम हेल्प द प्लांट इन डिजोल्विंग दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट एंड जब ये सॉल्ट डिजोल्व हो जाएंगे सेल्वॉल उसकी सॉफ्ट हो जाएगी और इसी को हम कहते हैं राइपनिंग आधी पॉइंट्स क्लियर डन डन चले सो दिस इज फ्लेवर सेवर तो अभी तक हमने तीन एग्जाम्पल्स कर ली एक बी टी क्रॉप्स की एक ट्रांसजेनिक टोबैको की एंड थर्ड इज फ्लेवर सेवर क्लियर दिस झ नॉट गिवन एन एनसीआर टी एस एच बट आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट इट लास्ट नॉट द लीस्ट वी हैव ऐसी एग्जाम्पल ऑफ जी एम ओ जिसमें बायोफोर्टिफिकेशन की गई है बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है एनहेंसिंग दिनहसिंग न्यूट्रिशनल क्वालिटी ठीक है प्लांट्स के अंदर नॉर्मली जो भी न्यूट्रिशनल कंटेंट है कि किसी में कितना आयरन है किसी में कैल्शियम ज्यादा है किसी में प्रोटीन लेवल ज्यादा है तो उनका जो नॉर्मल अमाउंट है न्यूट्रिएंट्स का उससे ज्यादा कर देना दिस इज कॉल्ड बायो फोर्टिफिकेशन एनहेंसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स ठीक है तो हमने बहुत सारी बनाई है सो वन मेजर एग्जाम्पल दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर ज दैट ऑफ गोल्डन राइस ठीक है दिस इज गोल्डन राइस क्या किया क्या हमने गोल्डन राइस के अंदर चलो पहले तो ये देखते हैं गोल्डन राइस अब गोल्डन राइस एक्चुअली गोल्डन कलर के होते हैं दे आर नॉट एज वाइट एज नॉर्मली पॉलिश राइस जो होते हैं गोल्डन राइस के अंदर हमने विटामिन ए का लेवल बढ़ा दिया ठीक है सो दे आर ये एंड रिच इन विटामिन ए या बीटा कैरोटीन कह लो बीटा कैरोटीन से ही विटामिन ए बनेगा ठीक है दिस राइस इज बींग यूज वर्ल्ड वाइड टू टेक या टू डिक्रीज विटामिन ए डेफिशिएंसी इन पीपल विटामिन ए डेफिशिएंसी विटामिन ए बनता है तो तुम कभी विटामिन ए नहीं खाते हो बेसिकली चाहे गाजर खाओ मूली खाओ कुछ भी खाओ तुम बेसिकली खाते हो बीटा केरोटिन पाया जितनी भी येलो कलर के पिगमेंट है दे ऑल कंटेन बीटा कैरोटीन मैंगो पपाया मिलन राइट येलो कैप्सिकम देर रिच इवन कैरेट गाजर में भी जो सेंटर वाला येलो पार्ट है दैट इज रिचर इन विटामिन ए रादर देन वो रेड वाला पार्ट ठीक है नॉ लिसन जितने भी येलो पिगमेंट्स हैं कैरोनोइ्स वो बीटा कैरोटीन बनाएंगे तुम बीटा कैरोटीन खाते हो उस बीटा कैरोटीन से तुम्हारा लिवर विटामिन ए खुद सिंथसाइज करता है समझ में आए सो ऑल वी नीड टू गिव अप गिव टू आर लिवर इज बीटा कैरोटीन अब राइस के थ्रू हमने बीटा कैरोटीन कैसे प्रोवाइड करना है हमने क्या किया हमने डेफोडिल्स लिए ब्यूटिफुल फ्लावर्स राइट इन डेफोडिल्स में से हमने कैरोटीन बनाने वाला जीन एक्सट्रैक्ट किया सो बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन सॉरी डेफोडिल्स इसमें से जीन एक्स्ट्रैक्ट किया गया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बीटा कैरोटीन ठीक है तो ये वाला जीन हमने निकाल लिया और इस जीन को हमने डाल दिया अपनी राइस के अंदर इसको किसके अंदर डाल देना है दिस इज इंट्रोड्यूस्ड इन राइस और हमारा राइस क्या बन जाएगा गोल्डन राइस क्या बन जाएगा गोल्डन राइस दिस इज दिस जीन फॉर बीटा कैरोन इज इंट्रोड्यूस्ड इन राइस अब मुझे फटाफट से चार्टॉक्स में यह लिख के बता दो कि कौन सा वैक्टर यूज करोगे कौन सा बैक्टीरिया यूज करोगे इस जीन को ट्रांसफर करने के लिए फटाफट से यह बता दीजिए हाँ जी कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाएगा प्लांट्स के केस में टू ट्रांसफर दिस जीन फ्रॉम डाफोडिल्स इन टू द राइस प्लांट फटाफट से गोल्डन राइस तो हो गया इंसर्टेडन राइस in हो गया बट इन कौन सा यूज़ करेंगे वॉट इज़ द नेम ऑफ द बैक्टीरिया प्लाज्म तो उस बैक्टीरिया का ही होगा ना बट बैक्टीरिया कौन सा है राइट क्षिति इट इज़ एग्रो बैक्टीरियम कृतु रेट्रोवायरस कभी नहीं यूज़ करेंगे हम प्लांट्स के केस में रेट्रोवायरस हमेशा एनिमल्स के केस में यूज़ किया जाता है ठीक है प्लांट्स में हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा यूजिंग एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमी फेसियंस अब ये भूलना नहीं है पहले भी मैंने बताया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेस यूज किया जाता है दिस इज द बैक्टीरिया जिसका हम यूज करेंगे इज दिस पॉइंट ई को लाइ तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना बीमारी का घर है ठीक है इट इज एग्रो बैक्टीरियम सो कहां से हमने लिया है सो वॉट इज द सोर्स ऑफ दिस जीन सो दिस इज द सोर्स सोर्स होता है वो ऑर्गेनिज्म जिससे कि हम जीन निकालते हैं जो अपनी क्रॉप के अंदर डाला है हमने सो दिस इज द सोर्स दुडल ठीक है जीन निकाला किसके लिए बीटा कैरोटीन के लिए और उठा के डाल दिया राइस में तो हमारा राइस जो बन गया वो क्या है जी है एंड दिस जी इज़ नोन एज गोल्डन राइस इट इज़ गोल्डन इन कलर इट इज रिच इन बीटा कैरोटीन एंड इट इज़ यूज वर्ल्ड वाइड टू चेक द विटामिन ए डेफिशिएंसी अमंगस्ट पीपल इज दिस पॉइंट क्लियर डन चले आगे चलो सो दिस वॉज अनादर एग्जाम्पल और इस तरह से हमने चार एग्जाम्पल्स कर ली हैं uh, कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हमें एग्रीकल्चर में हेल्प किया है और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं लेकिन दिस इज ऑल वॉट वी हैव इन आर सिलेबस राइट चलो देन इसके अलावा सो so सी हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से गैस एक ऐसा बैक्टीरिया भी बनाया है Uh, जो ऑयल्स स्पिल्स को ठीक करने में हेल्प करेगा ना सी, दिस इज एज सुपर बग हमने बनाया है सुपर बग ये एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ बट आई वॉन्ट यू टू नो दिस इट इज इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन आ रखा है सुपर बग बेसिकली इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड सूडोमोनास एक बैक्टीरिया है सूडोमोनास प्यूटिडा ठीक है इस बैक्टीरिया को हमने मॉडिफाई कर दिया है इस हिसाब से कि ये पेट्रोलियम को डाइजेस्ट कर सकता है ठीक है इसलिए इसको कह दिया सुपर बग बग वी कॉल इट चक्रवर्ती इन द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिड दिस चक्रवर्ती बग समझ में आया तो ये दो नाम है किसके हैं बैक्टीरिया का नाम क्या है वैसे सूडोमनास फ्यूटिटा वॉट डज दिस बैक्टीरिया डू दिस बैक्टीरिया कैन डाइजेस्ट द पेट्रोलियम ठीक है तो जो ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं जैसे कि पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते करते ऑयल स्पिल हो गया स्पिल मतलब बिखर गया ठीक है दिस एन एक्सीडेंट अब ऑयल्स अगर वाटर के ऊपर एक फिल्म बना लेगा तो हमारी इक्वेटिक लाइफ सारी सफ़र करेगी ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी तो जितनी भी मछलियाँ हैं जितने भी प्लांट्स हैं दे विल नॉट गेट ऑक्सीजन दे विल डाई ऑफ सफोकेशन वाटर बॉडी के अंदर <coughs> अगर प्लांट्स और एनिमल्स यानी हाँ फिशेज और ऑल दोज एनिमल इक्वेटिक एनिमल्स दे आर डाइंग देन दे विल इंक्रीज अ ऑर्गेनिक मैटर इन अ रिजल्ट दे विल कॉज पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन इसलिए ऑयल स्पिल को क्लीन करना जरूरी होता है ठीक है तो क्लीन करने के लिए वहाँ पे फिर ये वाले बैक्टीरिया छोड़े जाते हैं देर रिलीज देयर देर डाइजेस्टेड इन सम टाइम एंड वी कैन गेट रेड ऑफ वाटर पॉल्यूशन आर दीज पॉइंट्स क्लियर हाँ जी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको जान चलो सो पर्टिकुलरली दोज दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया दैट डीग्रेड सो क्या करता है ये डिग्रेड करता है कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल और सिंपली पेट्रोलियम तो ये कब यूज किया गया था दैट इज वन एग्जाम्पल नॉट इम्पॉर्टेंट बस ये आपको याद रखना है समझ में आया इतना ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट अब हम पढ़ने लगे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन देखो मेडिसिन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी ने हमें उम, कुछ हॉर्मोन्स बना के दिए ठीक है इंसुलिन थायरॉक्सिन ग्रोथ फैक्टर्स बहुत सारे इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसने हमें ऐसे मेथड्स दिए हैं बीमारी को डायग्नोज करने के क्योंकि जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा उतना बेटर और उतनी जल्दी ट्रीटमेंट किया जा सकता है ठीक है और कुछ तो बीमारियां ऐसी हैं जिनका ट्रीटमेंट कोई और है ही नहीं एक्सेप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी ठीक है सो दिस इज़ वॉट बायोटेक्नोलॉजी हैज़ डन और अब कोविड के बाद बायोटेक्नोलॉजी ने हमें बहुत स्पेशल वैक्सीन्स भी बना के दिए हैं एंड कोविड इज़ वन एग्जाम्पल कोवैक्सिन कोविशील्ड जितने भी ये वैक्सीन्स हैं देव ऑल बीन प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्लियर सो हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर डायग्नोसिस में कैसे हेल्प किया कौन कौन से हॉर्मोन्स बना के दिए हैं ठीक है देन वील टॉक अबाउट थेरेपी कि कैसे वो बीमारियों को ट्रीट कर सकती है क्लियर लेट्स स्टार्ट विद दैट हाँ जी डाउसी इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेट्स हैव अ क्विक रीडिंग कि किस किस तरह से इसने हेल्प किया है इन डायग्नोसिस इन ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीजेस ठीक है इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डेंजरस डिजीजेस प्रोटेक्शन में क्या आ जाएंगी वैक्सीन्स आ जाएंगी जीन थेरेपी जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है देखो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का और कोई इलाज है ही नहीं एक्सेप्ट फॉर बायोटेक्नोलॉजी सो हाउ इट इज हेल्प्ड एंड इट विल हेल्प दैट वी विल स्टडी इन डिटेल ऑल्सो टारगेटेड एक्शन ऑफ ड्रग थ्रू द स्टडी ऑफ जिनोमिक्स तो एक पर्टिकुलर दवाई एक पर्टिकुलर सेल तक कैसे पहुंच सकती है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ठीक है रिकॉम्बिनेंट थेरेपी थेरेपिटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ओके अब ये लाइन का मतलब क्या है मैंने हेल्थ एंड डिजीजेस वाले चैप्टर में तुम्हें वैक्सीन्स पढ़ा दिए हैं अगर तुमने नहीं पढ़े तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो नाउ वैक्सीन्स में हमने पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स एंड जो बायोटेक्नोलॉजी है वो हमें देती है थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स ठीक है फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में हमने बात की थी कि उसमें पूरा का पूरा पैथोजन यूज किया जाता है लाइव फॉर्म में वीक फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में वी हैव टॉक्ड अबाउट इट वी ऑल्सो सेड कि जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स हैं ये इफेक्टिव तो बहुत होते हैं राइट right? लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें आप पूरा का पूरा पैथोजन इंट्रोड्यूस कर रहे हो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्लियर बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है वो सिर्फ एंटीजन बना के देती है पूरा का पूरा पैथोजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं इसलिए इनके साइड इफेक्ट्स सबसे ज़्यादा कम हैं राइट right? ठीक है और जो दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि अभी तक बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम 30 रिकॉम्बिनेंट बना चुके हैं फॉर ह्यूमन यूज एंड 12 आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया कितने बना चुके हैं 30 अब ये चीजें जो है ना ये आपको एज सच रटनी ही होंगी ये एज सच स्टेटमेंट्स आ जाती हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग तो यू मस्ट लर्न एंड नो दिस डेटा विच इज गिवन इन आर पॉइंट्स क्लियर सूफियान इस पर हम बाद में डिस्कशन कर लेते हैं बच्चे ठीक है चलो पहले यह बताओ यह क्लियर हुआ है सबको क्या क्या हेल्प करेगा डायग्नोसिस में ट्रीटमेंट में प्रोटेक्शन में और जीन थेरेपी में क्लियर चलिए अब एक एक करके बात करते हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन हां जी नंबर वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डायग्नोसिस ठीक है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अब डायग्नोसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर ट्रीटमेंट जब तक तुम बीमारी को ढूंढते ही नहीं हो तुम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अब एक चीज़ को समझो जब भी तुम डॉक्टर के पास जाते हो रेगुलर चेकअप्स का रिवाज है नहीं है ना तो हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है बीट माइनर पेन मेजर पेन या कोई ना कोई सिम्टम हो रहा है जो हमें जो हमसे इग्नोर नहीं हो पा रहा राइट तो कोई ना कोई सिम्टम आता है तो ही तुम डॉक्टर के पास जाते हो अदरवाइज कोई हमें शौक नहीं होता ठीक है अब सिम्टम कब अपीयर होगा ऐसा नहीं है कि पैथोजन तुम्हारे अंदर आया और वेरी नेक्स्ट मोमेंट द सिम्टम अपीयर्स नो वेन द पैथोजन एंटर्स योर बॉडी इट मल्टीप्लाइज इट सेल्फ फर्स्ट वो पहले अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करता है अपना पूरा एक ग्राउंड तैयार करता है और जब उसका सफिशियंट नंबर हो जाता है फिर जाके सिम्टम्स अपीयर होने शुरू होते हैं इसका मतलब जब तक सिम्टम्स आए पैथोजन का अमाउंट तुम्हारी बॉडी में इंक्रीज हो चुका है उसका जो इफेक्ट है तुम्हारी बॉडी पे होना शुरू हो चुका है तुम्हारा टिश्यू डैमेज होना शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक हो चुका है व्हेन यू गो टू द डॉक्टर राइट सो वी व्हाट इट मींस कि बाय द टाइम सिम्टम्स अपीयर अ लॉट ऑफ डैमेज हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस नाउ वॉट इफ वी आर एबल टू डायग्नोज द डिजीज एट अ मच प्रायर स्टेज अभी सिम्टम्स आए नहीं लेकिन तुमने डायग्नोसिस कर लिया तो जल्दी डायग्नोसिस का मतलब ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट लेस डैमेज टू द बॉडी आई यू गेटिंग दिस तो वो प्रायर जो उसका चेकअप है जो डायग्नोसिस है सिम्टम्स अपीयर होने से पहले का जो डायग्नोसिस है वो तुम कैसे कर सकते हो

ठीक है टी टी दीज मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज इन द प्री सिम्टोमैटिक स्टेज डिज सिम्टम्स अपियर होने से पहले डिजीज इन द प्री सिम्टोमैटिक स्टेज ठीक है एंड नाउ यू नो कि जितनी जल्दी डायग्नोसिस उतना अच्छा ट्रीटमेंट और सिम्टम्स कब अपीयर होंगे जब काफ़ी डैमेज हो चुका है तो अगर तुम सिम्टम्स अपीयर होने से पहले ही चेक कर लो तो बहुत बढ़िया है ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा ठीक है तो अब हमारे पास ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं ये देख लेते हैं सो वी हैव नंबर वन से पी ठीक है पी सी आर चेन रिएक्शन इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम प्रोसेस वाले चैप्टर में दूसरा हमारे पास है एलाइजा अभी पढ़ेंगे ठीक है एंड थर्ड वी हैव ऑटो रेडियोग्राफी ये तीन टेक्निक्स जो कि हमें प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में डिजीज़ को आइडेंटिफाई डायग्नोस करने में हेल्प करती हैं ठीक है नाउ सी पीसीआर और एलाइजा ये दोनों जो टेक्निक्स हैं वी यूज इट फॉर एचआईवी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एच ठीक है एलाइजा भी एच के लिए यूज किया जाता है और भी बहुत सारी डिजीजेस के लिए यूज किया जाता है लेट्स टॉक अबाउट एलाइजा फर्स्ट नाउ मॉलिकुलर डायग्नोसिस, है ना लेट्स टॉक अबाउट एलाइजा नाउ एलाइजा इज एन ए इन शॉर्ट फॉर्म है फॉर एनजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे ठीक है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट व्हाई वाई डू वी कॉल इट इतना बड़ा नाम करने की क्या जरूरत थी एस का मतलब होता है टेस्ट तो ये एक टेस्ट है ठीक है डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड है ठीक है तो इसमें एक एंजाइम भी यूज होगा उसकी भी अभी हम बात करेंगे एंड इम्यूनोसॉर्बेंट अब इसका क्या मतलब है उसके लिए पहले प्रोसेस समझ लेते हैं सी व्हाट डू वी डू अब पहली चीज़ तुम सोचोगे कि क्या ज़रूरत है पहले मुझे कब पता लगेगा बेशक सिम्टम नहीं है लेकिन मुझे कब पता लगेगा कि मुझे जाके एलाइज़ा कराना है फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं एक सर्वे करने गई ठीक है एंड जिस एरिया में मैं सर्वे करने गई वहाँ पे लोगों को कुछ ऐसी डिजीज हो रखी थी से ट्यूब ठीक है सो चांस हैं ऑल्दो आई वॉज बेरिंग मास्क एंड आई वॉज टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स स्टिल देर इज अ चांस दट आई माइट हैव कॉट दैट इन्फेक्शन आई डोंट वॉन्ट टू सफर फ्रॉम दैट सो एज सुन एज आई कम बैक द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गेट माई एलाइजा डन ठीक है taking, uh, measures, so, as as back, is, क्या किया जाएगा एलाइजा में मेरा ब्लड लिया गया ठीक है अब अगर अगर इफ की बात है ठीक है ना सो so, अगर मुझे बाय चांस ट्यूबोक्लॉसिस मैंने इन्फेक्शन ट्यूबोक्लॉसिस के इन्फेक्शन कैच की है अगर की है तो मेरे ब्लड के अंदर इसके एंटीजेंस होंगे दीज आर द एंटीजेंस है ना माइक्रोबैक्टेरियम ट्यूबोक्लॉसिस पैथोजन अगर मेरे अंदर एंटर किया है तो एंटीजन प्रेजेंट है अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज भी बननी शुरू हो गई होंगी ठीक है so, सो यानी कि

एक प्रॉपर एक स्पेशल स्लाइड होती है इसके लिए एलाइज़ा परफॉर्म करने के लिए अ स्पेसिफिक स्लाइड ठीक है अब क्या किया जाएगा इस स्लाइड के ऊपर रुको ये अच्छी नहीं बनी स्लाइड हाँ जी सो so, इस स्लाइड के ऊपर पहले से नोन एंटीबॉडीज़ लगाई जाएंगी ठीक है पहले से ही नोन एंटीबॉडीज यानी स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज जो ट्यूबकलॉसिस के अगेंस्ट बनती हैं वो पहले से ही यहाँ पे लगा दी जाएंगी फिक्स कर दी जाती हैं, ठीक है नाउ व्हाट आर दीज दीज आर एंटीबॉडीज अगेंस्ट टीबी ठीक है ये हमें पता है कि एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट हैं ट्यूबकलॉसिस के लिए ही हैं तो जिस भी बीमारी को आप चेक करवाना चाहते हो जिसका डायग्नोसिस कराना चाहते हो उसके लिए पेक्यूलियर उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज यहाँ पे पहले ही फिक्स कर दी जाती हैं क्लियर अब ये ब्लड सैंपल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है ना वॉट विल हैपन क्योंकि मेरे ब्लड के अंदर ये एंटीजें हैं विच आर स्पेसिफिक टू दिस एंटीबॉडी तो ये एंटीजन इसके साथ बाइंड कर जाएंगे आर पॉइंट्स क्लियर है ना क्या हो जाएगा Antigens इसके साथ बाइंड कर जाएंगे तो ये कहां से आए हैं ये मेरे ब्लड से आए हैं एंटीजन क्लियर अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड किया है नाउ द थर्ड स्टेप दैट वी डू इज एडिशन ऑफ दिस एंजाइम सो वी यूज दिस एंजाइम हॉर्स रेडिश रेडिशक्स ठीक है यूज दिस एंजाइम हॉर्स रेडिश हैोक्सीडेज ये एंजाइम की अब खासियत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ ही बाइंड करता है ना अकेले एंटीजन के साथ बाइंड करेगा ना अकेले एंटीबॉडी के साथ बाइंड करेगा इट विल ओनली बाइंड विद द कॉम्प्लेक्स एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे अब दोनों यहां पे जुड़ चुके हैं सिर्फ तभी ये जो एंजाइम है इस तरह से मान लो बाइंड कर जाएगा ठीक है इट विल नॉट बाइंड एंटीजन अलोन और एंटीबॉडी अलोन क्लियर इट विल ओनली बाइंड विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सो दिस यहां लिख रही हूं इट बाइंड विद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ओनली आर दिस पॉइंट क्लियर ठीक है अब क्या हुआ कि ये जो एंजाइम जब बाइंड करता है ना देन इट प्रोड्यूसेस सम पिंकिश कलर्ड पिगमेंट ठीक है तो एक पिंकिश कलर का प्रोडक्ट बनता है सो इट दिस इज सीन एज पिंकिश रेडिश पर ना तो यहीं से याद रख लेना ये पिंकिश कलर का होता है तो जब ये बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो जेल थी वो पिंक कलर की नजर आएगी तो अगर कलर अपियर हो रहा है इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है इसका मतलब तुम्हारे ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट है यू आर सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज ठीक है सो so, इन एनी केस अगर कभी भी आप ऐसे किसी जगह से आते हो कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है ऑलवेज गो फॉर दिस प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट तो बहुत कॉमनली होते हैं ये तो अगर आपके ब्लड के अंदर सैम्पल है एंटीजन है इट विल बाइन टू इट एंड इट विल बी चेकड बाई हॉर्स रेडिश प्रोक्सीडिज दिस एन्जाइम विल प्रोड्यूस पिंकिश कलर्ड कॉम्प्लेक्स और पिगमेंट ठीक है एंड दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन बात हो रही थी एलाइजा में

सो दिस एलाइजा इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चन है कि इसका प्रिंसिपल क्या है प्रिंसिपल है एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन और उस इंटरेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा ये वाला एंजाइम। आर दीज पॉइंट्स क्लियर यस ठीक है हॉर्स रेडिश क्या होता है मूली होती है एक तरह की इट्स अ प्लांट बेस्ड पिगमेंट क्लियर हो गया डन चलो सो दिस वॉज द फर्स्ट टेस्ट अब एलाइजा हम यूज कहाँ करते हैं एलाइजा हैश टैग दिस इज यूज इन टेस्टिंग एच आई वी ठीक है एच आई वी के लिए हम इसको भी यूज करते हैं अगर एच आई वी के लिए एलाइजा पॉजिटिव आया तो फिर उसको कन्फर्म किया जाता है बाय अनादर टेस्ट विच इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग सो इफ एच आई वी इफ़ एलाइजा पॉजिटिव इसके लिए इफ एलाइजा पॉजिटिव आता है ठीक है देन कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है देन कन्फर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग वैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग हम नहीं करेंगे कन्फर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग आर दीज पॉइंट्स क्लियर कन्फर्म्ड बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग है लेकिन इनिशियल स्टेज पे हम टेस्ट क्या करते हैं एलाइजा करते हैं सिर्फ एच के लिए है नो no. बहुत सारी डिजीज के लिए किया जा सकता है आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है यस वेस्टर्न ब्लॉटिंग परफेक्ट चलो अब तो मैंने आपको क्या बताया पीसीआर पीसीआर हम दूसरे चैप्टर के अंदर करेंगे ठीक है वैसे पीसीआर में होता क्या है पी के अंदर आप जेनेटिक मटेरियल को इन्हांस कर देते हो ठीक है ना आ, जो थोड़ा सा सैंपल है मान लो कि आपके अंदर वायरस है एक ठीक है मान लो अभी बहुत थोड़ा सा वायरस लोड है तो नहीं पता लग रहा तो वो उसमें से छोटा सा वायरल लोड जो है उसको हम एम्पलीफाई करके देख लेंगे इट इज़ इजी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वायरस ठीक है तो कैसे किया जाता है पी ए सी आर दैट विल स्टडी इन द डिफरेंट चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस तो अभी के लिए मैं नहीं कर पा रही ठीक अब तीसरा है हमारे पास ऑटो रेडियोग्राफी नाउ देखो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है पीसीआर क्या करेगा टेक्निक uh, मटेरियल को एम्पलीफाई कर देता है कि जो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल है वो ज्यादा हो जाएगा तो इजीली आइडेंटिफाई होगा एलाइजा के अंदर तुम क्या चेक करते हो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुई है कि नहीं तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है ऑटो रेडियोग्राफी में हम चेक करते हैं जीन म्यूटेशन अब जीन म्यूटेटेड है या नहीं है कैसे पता करोगे ऑटो रेडियोग्राफी से ठीक है सो आ जाओ लिखते हैं यहां पे ऑटो रेडियोग्राफी इज पर्टिकुलरली टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ म्यूटेटेड जीन इफ एनी ठीक है ना प्रेजेंस ऑफ म्यूटेटेड जीन ये पॉइंट क्लियर हो गया सी ऑटो रेडियोग्राफी ग्राफी का मतलब टू स्टडी रेडियो वर्ड सिंबलाइज द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल ठीक है ना लेबल्ड मटीरियल रेडियो एक्टिव क्लियर हो गया टू डिटेक्ट म्यूटेशन यस अब ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या करने वाले हैं आ जाओ ऑटो रेडियोग्राफी हाँ सी पहले एक नॉर्मल जीन को स्टडी करते हैं सो से दिस इज़ योर डबल स्टैंडर्ड ठीक है? दिस इज योर नॉर्मल जीन इसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है ठीक है अब मान लो इसमें से मुझे जिस एरिया को स्टडी करना है वो ये वाला है ठीक है अब ये डबल स्टैंडर्ड है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा है ना तो वी नो द नेचर ऑफ डीएनए की वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्लियर अब मुझे ये वाला जीन स्टडी करना है दिस इज जीन अंडर स्टडी अंडर स्टडी ना वॉट विल आई डू मैं इस नॉर्मल जीन के अगेंस्ट एक प्रोब बनाऊंगी ठीक है मैं इस नॉर्मल जीन के अगेंस्ट एक प्रोब बनाऊंगी सो दिस इज माई प्रोब तो वॉट इज अ प्रोब प्रोब का मतलब होता है छानबीन करना ठीक है ना टू प्रोब इन टू द मैटर छानबीन करना यहाँ पे प्रोब का क्या मतलब है प्रोब एक वो चीज़ है जो हेल्प करेगी टू डायग्नोज टू आइडेंटिफाई टू फाइंड आउट वेदर द जीन इज नॉर्मल और इट इज़ म्यूटेटेड ठीक है ना सो अगेन द नेम इज वेरी या सो द नेम इज वेरी ओके हियर वाई इट इज ओके बिकॉज बिल्कुल क्योंकि प्रोब नाम के हिसाब से अपना काम कर रहा है ना इट इज हेल्पिंग इन आइडेंटिफिकेशन इन डायग्नोसिस नाउ ये जो प्रोब है ये रेडियो लेबल्ड होता है ठीक है ये रेडियो लेबल्ड है और ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जीन का कॉम्प्लीमेंट्री तुम बना सकते हो इट इज कॉम्प्लीमेंट्री द नॉर्मल जीन ठीक है नाउ यू शुड आस्क यू वाई नॉर्मल जीन क्योंकि यार तुम म्यूटेशन का ना लेवल सोच नहीं सकते कि म्यूटेशन किस जगह पे हुई होगी म्यूटेशन तो कहीं पे भी हो सकती है रैंडम है राइट right? तो हम नहीं सोच सकते कि किस लेवल पे कैसी म्यूटेशन हुई है तो वी कैन नॉट फॉर्म अ प्रोब फॉर दैट म्यूटेटेड जीन हमें जो स्टैंडर्ड है हमारे सामने वो उसके अगेंस्ट प्रोब बना लेते हैं और हमने प्रोब किसके लिए बना लिया नॉर्मल जीन के लिए अब क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल जीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है सो इट विल ओनली बाइंड विद द नॉर्मल जीन क्लियर सो इट कैन ओनली बाइंड टू द नॉर्मल जीन सो बाइंड करने के बाद इट बाइंड ओनली टू नॉर्मल जीन ठीक है एंड प्रोड्यूस कलर ठीक है एंड प्रोड्यूस कलर इट कैन बी सीन अंडर द यू वी लाइट इतना क्लियर हो गया फाइन अब ये होता क्या है इट इज आर एन ए इट इज आर एन ए फाइन ये भी क्लियर हो गया आर एन ए है रेडियो लेबल्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री किसके लिए है सिर्फ नॉर्मल जीन के लिए और ये सिर्फ नॉर्मल जीन के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके कलर प्रोड्यूस करेगा विच कैन बी सीन अंडर द यू वी रेस क्लियर अब हाउ डू वी यूज इट अब हमारा जो जीन है मान लो वो हो गया म्यूटेटेड तो ये हमारा डीएनए है इसमें से ये जो सेंटर वाला जीन हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे हो गया है ये मान लो ये म्यूटेटेड है ना दिस इज म्यूटेटेड दिस इज दिस इज द म्यूटेटेड जीन नाउ दिस नॉट दिस प्रोब कैन नॉट बाइंड विद इट ये याद रख लेना दिस प्रोब कैन नॉट बाइंड टू इट इट कैन नाट बाइंड ठीक है देयर फॉर no coloration, no color produced. आर प्रोड्यूस्डी पॉइंट्स क्लियर तो ऑटो रेडियोग्राफी जो टेक्निक है ना इसमें हम रेडियो लेबल्ड प्रोब बनाते हैं आर एन ए बनाते हैं जो सिर्फ नॉर्मल जीन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है एंड कैन बाइंड ओनली नॉर्मल जीन ठीक है अगर बाइंड कर गया तो कलर अपियर होगा एंड इट कैन बी व्यूड अंडर द यू वी लाइट अगर बाइंड नहीं होगा और यूवी लाइट के नीचे ऑब्जर्व करने पे तुम्हें कोई कलर नजर नहीं आता इसका मतलब जीन म्यूटेटेड है तो कलर आ जाना इज अ गुड न्यूज कलर ना आना इंडिकेट्स म्यूटेशन इज दिस पॉइंट क्लियर ठीक है ये पॉइंट क्लियर हो गया सो नो कलर हैश कर लो सो नो कलर मतलब इंडिकेट्स म्यूटेशन और कलर आना इंडिकेट्स नॉर्मल जीन ये पॉइंट क्लियर हो गया जल्दी से बताओ आरधीस पॉइंट्स क्लियर ठीक है मैम आर एन इंटरव्यू समझ समझा दो पर परंकल लेट आए हो क्या बच्चे एक बार दोबारा देखना नहीं आएगा तो वील अगेन डिस्कस इट ठीक है एक बार देख के मुझे बता दो आरधीस पॉइंट्स क्लियर ऑटो रेडियोग्राफी ऑटो रेडियोग्राफी इस टेक्निक में हम यूज करेंगे रेडियो यूज ऑफ रेडियो लेबल्ड प्रोब लेबल्ड प्रोब और प्रोब क्या क्या है ये तुम्हें बता दिया गया है आर एन ए मॉलिक्यूल है कॉम्प्लीमेंट्री है एंड ओनली टू द नॉर्मल जीन आर दीज पॉइंट्स क्लियर एवरी वन हां जी क्लियर हो गया यस yes, परफेक्ट चलो अब तो सबसे पहले मैंने बात की है डायग्नोसिस की बीमारी को डायग्नोस करो ताकि उसका जल्दी ट्रीटमेंट हो सके चलो नेक्स्ट गिफ्ट बाय बायोटेक्नोलॉजी या फ्रॉम बायोटेक्नोलॉजी इज लॉट ऑफ हॉर्मोन्स ठीक है उसमें से एक हार्मोन जो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंसुलिन ठीक है सी जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन पहले इंसुलिन के बारे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सो वी नो दैट दिस इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन मतलब प्रोटीनिशियस है प्रोटीनिशियस प्रोटीन है तो डेफिनेटली किसी ना किसी जीन ने इसको बनाया होगा ठीक है और इसको बनाता कौन है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास है ना बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज वी नो दैट ठीक है वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि जब इंसुलिन बीटा सेल्स बनाते हैं ना तो वो एज सच मिच्योर uh, प्रोटीन नहीं बनाते बीटा सेल्स दे विल सिक्रीट द इनएक्टिव फॉर्म ये बीटा सेल्स क्या बनाएंगे इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन बनाएंगे दे विल सिक्रीट प्रो इंसुलिन तो जब इंसुलिन बनता है तो वो इनएक्टिव होता है ठीक है वो हमारे अंदर काम नहीं कर सकता क्लियर लेटर ऑन जैसे कि बाकी प्रोटीन्स के केस में होता है राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया उसको फिर एंडोप्लाजमिक uh, रेटिकुलम के पास भेजा गया या फिर गोल्जी बॉडीज के पास गया और उसकी मेच्योरेशन होती है द सेम प्रोसेस कॉन्टीन्यूस हेयर इज वेल बीटा सेल्स क्या बनाते हैं प्रो इंसुलिन प्रो इंसुलिन की मैच्योरेशन होती है और फिर इसकी मैच्योरेशन के बाद बनता है इंसुलिन ठीक है एंड इंसुलिन इज द एक्टिव फॉर्म ना वॉट इज द डिफरेंस डिफरेंस ये है कि जो हमारा प्रो इंसुलिन है ना गाइस, ये प्रो इंसुलिन के अंदर तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं इट हैज़ थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है कौन सी ए बी एंड सी इसके अंदर तीन चेन्स हैं जबकि मेचोरेशन के दौरान इसमें से ये सी चेन को माइनस कर दिया जाएगा सी चेन इजट्रैक्टेड सो इंसुलिन के अंदर सिर्फ दो पोलीपेप्टेन है एंड दट इज एंड बी ठीक है इंसुलिन कंटेन ओनली टू पोलीपेप और कौन कौन सी एंड बी यह पॉइंट क्लियर हुआ सबको पहले तो यह बता दो है ना ए एंड बी अब अंडरस्टैंड करना जीन क्या चीज होती है जीन वो चीज होती है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस कर सकती है नॉट द होल ऑफ द प्रोटीन ठीक है पहले किसी ज़माने में लगता था गुजरे ज़माने में कि जीन वो चीज़ है जो पूरा का पूरा प्रोटीन बना दे बट नाउ वी नो कि जीन इज दैट फ्रैगमेंट ऑफ डी एन ए विच कैन सिंथसाइज ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन ठीक है तो अगर यहाँ पे तीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं इसका मतलब यहाँ पे कितने जीन्स इन्वॉल्ड होंगे तीन जीन्स इन्वॉल्व होंगे ठीक है? जितनी पॉलीपेप्टाइड उतने जीन्स इन्वॉल्व होंगे सो so, प्रो इंसुलिन को बनाने के लिए प्लीज अंडरस्टैंड यहां पे थ्री जीन्स आर इन्वॉल्व थ्री जीन्स इन्वॉल्व ठीक है कौन कौन से जीन्स है वो ए बी एंड सी क्लियर अब मेचोरेशन के दौरान सी को निकल जाना है और ए और दो आपस में कंबाइन हो जाते हैं ठीक है तो इसका जरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं आ जाओ तो देखो ये प्रो इंसुलिन कैसा दिखाई देता है ये प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह का है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रो इंसुलिन ठीक है अब मान लो ये हमारी ए चेन है इतनी सी दिस इज ए चेन दिस इज़ सी चेन एंड देन oh i'll make this blue in color so this is your b chain theek hai this is a b chain theek hai so ye hai hamara pro insulin ka structure ab ये सारी chains आपस में attached कैसे होती है Disulfide bonds के साथ fine? ये है प्रो इंसुलिन जब मेच्योरेशन हुई तो उस दौरान ये सी चेन उसमें से निकाल दी गई तो क्या रह गया हमारे पास सिर्फ ये ये ए चेन ये ए चेन रह गई और हमारे पास रह गई है बी चेन ठीक है सी यहां से निकल गई है और ये दोनों चेन्स कैसे बाइंड है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर दीज पॉइंट्स क्लियर मेच्योरेशन so के दौरान ये स्ट्रक्चर इस चीज में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर एंड दिस इज द मेच्योर इंसुलिन विच कैन परफॉर्म फंक्शंस, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इन योर बॉडी, दिस कैन नॉट बट हमारे अंदर जब ये इंसुलिन बन रहा है तो कितने जीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज थ्री जीन्स ए बी एंड सी इज दिस क्लियर चलो चलो अब नाउ अब क्या करना है अब हमने ये इंसुलिन बनाना है उन पेशेंट्स के लिए जिनके अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा ठीक है तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज गोइंग टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट्स टू हेल्प डायबिटिक पेशेंट्स और ये कौन सी डायबिटीज है इट इज डायबिटीज मेलाइटस फाइन इनकी बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही तो हमें इनको बना बनाया इंसुलिन देना होगा अब पहले क्या किया जाता था पहले पिग का इंसुलिन निकाल के देते थे ठीक है सो वी यूज टू कॉल इट पिग्युल दिक्कत यहाँ आई कि पिग का जो इंसुलिन है दैट प्रोटीन इज लिटल डिफरेंट फ्रॉम आवर ओरिजिनल इंसुलिन और जो चीज़ हमारी नहीं है ना हमारा इम्यून सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता सो so पिग्युल की वजह से हमारे अंदर काफ़ी एलर्जिक रिएक्शंस डेवलप होने लग गए क्लियर सो देन बायोटेक्नोलॉजी केम फॉर द रेस्क्यू तो जरा पुरानी बात भी कर लेते हैं कि पहले क्या हो रहा था और अब कैसे इट इज हेल्पिंग सी हिस्टोरिकली पहले हम पिगुलन यूज करते थे पिगुलन इज द नेम गिवन टू द पिग्स इंसुलिन ठीक है दिस वॉज यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स ठीक है यूज फॉर डायबिटिक पेशेंट्स इनिशियली ठीक है दिक्कत कहां आई दिक्कत यहां आई कि इट कॉस्ड एलर्जिक रिएक्शन इट लेड टू एलर्जीज वाई बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर आर अड़तीस पॉइंट क्लियर ये जो pigulin है ये हमारे इंसुलिन से डिफरेंट था इट कॉज एलर्जी तो इसलिए अब हमें ह्यूमन को ्यूमुलन ही देना पड़ेगा हमें जो इंसुलिन ये हमने बनाया है बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कॉल इट ह्यूमन इंसुलिन ठीक है अब हमें ये तो समझ में आ गया कि ह्यूमुलिन जब हमारे अंदर बन रहा है यानी इंसुलिन इन, इन, बन रहा है तो पहले तीन जीन्स इन्वॉल्व हैं उसको फिर उसकी मेच्योरेशन होती है और उस मेच्योरेशन के दौरान उसमें से सी चेन निकल जाती है ठीक है लेकिन अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हुए इसे कैसे करें आ जाओ तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि ये कैसे किया जाए देखो तो सबसे पहले अमेरिकन कंपनी जिसका नाम है ईलाय लिली इलाय लिली वेरी इंपॉर्टेंट नेम अमेरिकन कंपनी 1983 में इन्होंने सक्सेसफुली ये इंसुलिन प्रोड्यूस किया सो व्हाट वाज द टेक्निक दैट दे यूज्ड देखो क्या किया गया हियर सो ह्यूमुलन बनाते हुए वॉट डिड दे डू इन्होंने सीधा सीधा दो बैक्टीरिया लिए इन्होंने कहा कि अगर अल्टीमेटली सी चेन को निकालना ही है तो हम पहले ये सी चेन बनाएँ फिर उसको जोड़ें ए बी सी को फिर उसमें से सी चेन निकालते फिरें तो इट्स सच अ टाइम वेस्ट राइट एंड रिसोर्स वेस्टेज तो वाई नाट डायरेक्टली टेक जस्ट टू बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया लिए इन्होंने ई को लाए ठीक है इन्होंने लिया एक ईक्लाए ये दूसरा इक्वल लाए इसके अंदर ये इसका अपना जेनेटिक मटीरियल होगा ठीक है ना ये इसका अपना जेनेटिक मटीरियल है ना अब अपने अपने जेनेटिक मटीरियल के साथ साथ यहां पर इंट्रोड्यूस की गई ए चेन सॉरी इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया ए जीन ठीक है और इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया बी जीन समझ में तो उन्होंने दो बैक्टीरिया लिए सेपरेटली एक के अंदर ए जीन डाल दिया और दूसरे के अंदर बी जीन इंट्रोड्यूस कर दिया व्हाट विल हैपन द जीन्स आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्फ्स तो ये जो इकोलाई e. है ये हमें अल्टीमेटली ए चेन बना के देगा ठीक है और ये इकोलाई e. हमें बी चेन बना के देगा एंड फिर इन दोनों चेन्स को हम जोड़ देंगे आर्टिफिशियली बाय क्रिएटिंग डायसल्फाइड बॉन्ड्स इजी राइट सो व्हाट डिड वी डू वी कंबाइंड दीज टू ए एंड बी चेन और इसमें डाय बॉन्ड्स क्रिएट कर दिए क्रिएटेड डायसेल्फाइड बॉन्ड्स दे वर कनेक्टेड आर दिस पॉइंट्स क्लियर तो यहां पे ईला लिली का पहली बार ये दिमाग चला था कि यानी बीच में से हम सी निकाल ही देते हैं सी चेन सी जीन यूज ही नहीं करना क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने सी चेन को निकालना ही है तो वाई नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूज ए एंड बी चेन सेपरेटली एंड ज्वाइन द टू बाय क्रिएटिंग डायसल्फाइड बॉन्ड्स आर्टिफिशियली क्लियर और बन गया हमारा इंसुलिन आर तीस पॉइंट्स क्लियर जॉइन बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ये पॉइंट क्लियर हुआ कि कैसे ईलाय लिली ने कंपनी ये जो अमेरिकन कंपनी थी इन्होंने ये इंसुलिन हमें बना के दिया सो लेट्स हैव अ क्विक रीडिंग वंस अगेन सो ईलाय लिली अमेरिकन कंपनी 1983 ये भी याद रख लेना है इन्होंने पहली बार सक्सेसफुली इंसुलिन प्रोड्यूस किया गया इंसुलिन किस यूज दिया जाता है फॉर डायबिटीज़ ठीक है मेच्योर इंसुलिन यस मेच्योर इंसुलिन के अंदर दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं ए एंड बी विच आर लिंक्ड बाय डायसल्फाइड ब्रिजेस पहले जब ये बनता है तो ये प्रो हॉर्मोन होता है यानी प्रो इंसुलिन होता है और इसके अंदर ए बी और एडिशनल सी चेन होती है ठीक है और ये सी चेन इट इज़ एबसेंट इन द मिच्योर इंसुलिन या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग मेचोरेशन अब जब हमने आर डी एन ए टेक्नोलॉजी से ये इंसुलिन बनाया तो हमने डायरेक्टली सिर्फ दो ही जीन्स यूज़ किए हैं दो ही चेन्स क्रिएट किए हैं

सो so, ये हमने अभी तक क्या किया है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मोलिकुलर डायग्नोसिस कर लिया प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में चेक कर लिया बीमारी का हॉर्मोन्स बना के दे दिए अब इसी तरह से और भी कई हॉर्मोन्स हमने बनाए हैं प्रोड्यूस किया गया ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस किए गए एंड लॉट मैनी क्लियर एंड दे हैव रियली चेंज द लाइफ ऑफ पेशेंट्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस दीज हॉर्मोन्स नॉर्मली एंड नेचुरली इन इंदर बॉडी आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है चलो नाउ नेक्स्ट कम्स जीन थेरेपी आई ऑल्सो टोल्ड यू कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट कि हम वो जो जीन खराब है उसको निकाल के उसकी जगह पे एक नॉर्मल फंक्शन करने वाला जीन इंट्रोड्यूस करें ठीक है और उस चीज़ को करने के लिए हमारे पास ये टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड जीन थेरेपी अब देखो मान लो अगर मेरे अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है सो एट दिस स्टेज आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि मेरे सेल्स को निकाला जाएगा सेल्स के अंदर से जीन्स को खराब जीन्स को निकाला जाएगा और जीन्स को चेंज किया जाएगा राइट वी कैन नॉट डू दैट एट दिस स्टेज एटलीस्ट अभी तक तो हम नहीं कर सकते ठीक है बिकॉज देर आर सो मेनी सेल्स कितने सेल्स को आप हैंडल करोगे सो so पहली चीज़ कि ये जीन थेरेपी हम सिर्फ अर्ली एम्ब्रियनिक स्टेज में ही कर सकते हैं ठीक है जब एक छोटा सा एम्ब्रियो है फ्यू सेल्स सो वी जस्ट हैव टू मैनिपुलेट दो फ्यू सेल्स राइट एंड क्यू यूज करते हैं टू ट्रीट द जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्लियर ऑल राइट ना सी हाँ जेनेटिक काउंसलिंग यस नो डाउट तो जहाँ पे कुंडलियाँ मिलाई जाती है ना वहाँ पे लोगों के जीन मैप्स मिलाए जाने चाहिए ताकि अगर कोई प्रॉबिलिटी है कि इस कपल की शादी से जो बेबी होगा उनमें देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू हैपन तो आई थिंक लाइफ बेटर हो जाएगी वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस है ना नाउ लेसन सो जीन थेरेपी सो ये किसके लिए यूज की जाती है आ जाओ टू करेक्ट और ट्रीट द हेरेडिटरी डिजीजेस जो कि कब डायग्नोस किया जा सकता है या तो बहुत बचपन में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेफरेबली एम्ब्रियोनिक स्टेज में अब क्या किया जाता है इसमें नॉर्मल जीन वेन इट इज़ इंसर्टेड इन टू द इंडिविजुअल ऑफ द एम्ब्रियो इट इट विल टेक ओवर द फंक्शन एंड कॉम्पनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन तो वो जो पुराना ख़राब जीन है उसको निकाल दिया जाता है उसकी जगह पर नया जीन डाल दिया जाता है ठीक है पहली जो जीन थेरेपी का केस हुआ है दैट वॉज इन नाइनटीन नाइन्टी फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस चार साल की बच्ची में जिसको कि ए डी ए डिफिशंसी थी ठीक है अब जो एनसीआरटी में लिखा है उसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स हियर देखो एक जीन है हमारे पास सॉरी एक एंजाइम है ए ठीक है दिस स्टैंड फॉर अडीनोसिन डी एमिनेस ए डी ए ठीक है ये जो एंजाइम है दिस एंजाइम Is used for the maturation फॉर द maturation ऑफ lymphocytes वैसे एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि हमने हेल्थ एंड डिजीजेस का चैप्टर पहले कर लिया नाउ यू हैव एन आइडिया लिम्फोसाइट्स आर एंड क्या क्या करते हैं राइट सो दे यूज फॉर द मैच्योरेशन ऑफ टी एंड बी लिम्फोसाइट्स आर दिस पॉइंट्स क्लियर दिस इज एडीए यानी कि अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो ना आपके अंदर बनेंगे टी लिम्फोसाइट्स ना ही बनेंगे बी लिफोसाइट्स एंड यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड्स यू सी एम आई एस सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड यू एंटीबॉडी मिडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी कि ये लिफोसाइट्स अगर नहीं हुए तो आपके अंदर इम्यून सिस्टम नहीं है सुनने में बोलने में ये चीज़ जितनी आसान लग रही है द लाइफ वुड बी एज पथेटिक ठीक है आप बाहर कदम रखने के बारे भी नहीं सोच सकते हो अगर आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता तो ऐसे लोगों को हो जाती है सी सो एडीए डेफिशिएंसी इसकी डेफिशिएंसी लीड्स टू अ डिजीज नोन एज स्किड ठीक है अभी मैं करवाऊंगी जब मैं एचआईवी डिस्कस करूंगी तो मैं स्किड भी डिस्कस करूंगी ठीक है इट लीड्स टू द डेफ to the disease known as SCID stands for severe combined immunodeficiency, immunodeficiency syndrome ya disease theek hai na are these points clear to ho kya raha hai कि जब आपके अंदर ना T लिम्फोसाइट है ना B लिम्फोसाइट है ना आपके अंदर ए एम आई एस बन रहा है ना सी एम बन रहा है ये भी नहीं बनेगा यहाँ एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम भी नहीं होगा राइट वॉट विल हैपन यू डोंट हैव इम्यून सिस्टम बाहर इतने पैथोजेंस हैं दे विल ऑल अटैक यू पर इसकी नौबत नहीं आती क्यों नहीं आती कि जिस बच्चे में स्किड होता है वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता ठीक है इसको हम बबल बॉय डिजीज भी बोलते हैं वी ऑल्सो कॉल बबल बॉय डिजीज बिकॉज सच किड्स आर कैप्टन स्पेशल रूम्स ठीक है नॉर्मल हॉस्पिटल का रूम भी नहीं होता क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी इन्फेक्शन होती हैं इनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में स्पेशल स्वीट्स होती हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है एंड दैट एरिया इज वेरी वेरी हाइजेनिक दिस पॉइंट्स लिए ठीक गया समझ में आया सो दिस इज स्किड अब इस चार साल की बच्ची में <coughs> क्या किया गया था लिसन सो so, एएमआईएस भी नहीं है और सी एम आई एस भी नहीं है दैट इज एडीए अब स्किल्ड को ट्रीट करने का क्या तरीका है <coughs> तो अब हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं पहले ट्रीटमेंट्स देखो <coughs> ठीक है पॉसिबल ट्रीटमेंट्स ना देखो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स नंबर वन <coughs> देखो जो एडीए है वो मेचोरेशन के लिए चाहिए ऐसा नहीं है कि लिम्फोसाइट बन नहीं रहा बन रहे हैं लिम्फोसाइट्स लेकिन वो मिच्योर नहीं हो रहे हैं इन टू बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स सो वॉट इफ़ अगर हम इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है है ना अगर बच्चे के अंदर ये एमिनेज एंजाइम नहीं बन रहा डी एमिनेज नहीं बन रहा तो इसका मतलब जीन एबसेंट है तो क्यों ना हम बच्चे के अंदर वो जीन इंट्रोड्यूस कर दें वन थिंग ठीक है सो फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर एडीए प्रोडक्शन है ना फॉर एडीए प्रोडक्शन आरतीस पॉइंट क्लियर सेकेंड हमारे पास दूसरा तरीका यह है कि लिंफोसाइड तो बन ही रहे हैं ना मेच्योर नहीं हो रहे तो बना बनाया एंजाइम डाल दो ठीक है दिस इज नोन एज एनजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी ये पॉइंट समझ में आया क्या किया हमने बन रहे हैं बच्चे के अंदर ठीक है तो एंजाइम नहीं बन रहा जो कि उसकी मेच्योरेशन कराए तो बना बनाया एंजाइम इंट्रोड्यूस कर दो बोन मैरो में तो जो लिम्फोसाइट्स बने होंगे वो मेच्योर हो जाएंगे कैन वी डू दैट यस वी कैन ठीक है लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है दिक्कत ये है कि अगर हमने बाहर से एंजाइम दिया ठीक है और वो कुछ लिम्फोसाइट्स को मेच्योर कर भी गया तो जो लिम्फोसाइट्स मेच्योर होंगे वो लिम्फोसाइट्स कितने दिन जिंदा रह जाएंगे एक हफ्ता दो हफ्ते ज्यादा से ज्यादा ठीक है दो हफ्ते के बाद वो लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू डाई देन यू अगेन हैव टू गिव न्यू क्वान्टिटी ऑफ एंजाइम टू द बोन मैरो समझ में आएगी बात क्या किया है तुमने बोन मैरो में तुमने एंजाइम इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारे जो लिम्फोसाइड्स मेच्योर नहीं हो रहे थे वो मेच्योर हो गए टी लिम्फोसाइट्स बन गए बी लिम्फोसाइट्स बन गए वो कितने दिन जिंदा रह जाएंगे एक हफ्ता ठीक है एक हफ्ते के बाद हमें और नए लिम्फोसाइड्स की जरूरत है इसका मतलब तुम्हें दोबारा से एंजाइम डालना पड़ेगा तो ये जो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है ना ये टेम्प्रेरी मेथड है बिकॉज यू विल हैव टू रिपीट इट अगेन एंड अगेन ठीक है तुम ये भी कर सकते थे कि तुम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो तो। कि भाई बंदे के अंदर बच्चे के अंदर अगर ये टी लिम्फोसाइड्स या बी लिंफोसाइड्स नहीं बन रहे तो हम किसी और से टी लिफोसाइड्स या बी लिंफोसाइड्स ला के लेके बच्चे के ब्लड में ट्रांसफ्यूज करते ब्लड डोनेट करते हैं उसको कर दो बट अगेन वही प्रॉब्लम है कि एक हफ्ते के बाद वो लिम्फोसाइड्स आर गोइंग टू डाई फिर तुम्हें दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी है ना तो इसलिए ये जो दो टेक्निक्स मैंने तुम्हें बताई हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट ये दोनों Temporary methods. What are these? These are both temporary methods. These are temporary treatments because they will have to be repeated, need to be repeated again and again. Are these points clear? Why do we need to repeat them? Because lymphocytes have a particular lifespan of around 1 week to 10 days. दीज सेल्स आर मोटर दे विल डाय सो यूल है प्रोसेस अगेन एंड अगेन आपको बार बार एंजाइम देना पड़ेगा उसको नए लिम्फोसाइड्स बनाने के लिए या बार बार बाहर से नए लिम्फोसाइड्स डालने पड़ेंगे ये पॉइंट क्लियर हो गया तो हमारे पास जो एक परमानेंट इलाज है ना वो ये है दिस इज द परमानेंट क्योर परमानेंट इलाज को हम बोलते हैं क्योर परमानेंट क्योर इस कुछ मत करो आप बचपन में आप एम्ब्रॉनिक स्टेज में जो उसका जीन खराब है उसको निकालो और उसकी जगह पे नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर दो जब जीन डाल दिया तो वो अपने आप सारी जिंदगी एंजाइम बनाता रहेगा और एंजाइम बनाता रहेगा तो बस होता रहेगा अपने आप काम so, तुम्हारी छुट्टी ये पॉइंट क्लियर हुआ हाँ जी ये पॉइंट्स क्लियर हो गए ठीक है सो दिस इज द परमानेंट क्योर फॉर स्कूड्स फॉर स्किड और ये पहली बार किसके अंदर किया गया था चार साल के बच्चे में किया गया था 1990 के अंदर सो दिस इज द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी का केस 1994 नाइनटी फोर ईयर ओल्ड गर्ल शी वॉज सफरिंग फ्रॉम ए डी ए डेफिशियंसी उसको क्या हुआ होगा स्किड द स्काई इज पिंक मूवी देखिए ना दैट वॉज बेस्ड ऑन दिस बीमारी ओनली बट वो एक बहुत ही स्पेशल केस था जिसमें कि बच्ची इतने साल जिंदा रह गई यूजली इट डजेंट हैपन आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है यस सो so, पहले हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते थे एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करते थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे लेकिन अब तरीका क्या है कि जीन रिप्लेसमेंट की जाए और ये जीन रिप्लेसमेंट कब की जाती है इन द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज क्लियर सो दैट इज अनादर गिफ्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू आर्स तो अब देखो क्या किया जाता है कैसे की जाती है सो so, एक वैक्टर यूज किया जाएगा नाउ लिसन जैसे प्लांट्स के अंदर हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज किया है बार बार टू तो इंट्रोड्यूस अ फॉरेन जीन ऐसे ही एनिमल्स के अंदर ह्यूमन वी आर एनिमल्स राइट हमारे अंदर जो वेक्टर यूज किया जाएगा दैट वुड बी रेट्रोवायरस अ वेक्टर यानि कि रेट्रोवायरस विल डिलीवर अ थेराप्यूटिक जीन यानी कि नॉर्मल काम करने वाला नॉर्मल जीन इन द पेशेंट्स टारगेट सेल्स और ये वायरल वेक्टर होगा वायरल वेक्टर यानी रेट्रो वायरस अगैन आर दिस पॉइंट्स क्लियर ठीक है लिम्फोसाइट्स के अंदर हम ये नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे थर्ड फोर्थ एंड द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि बायोटेक्नोलॉजी ने हमें डी एन ए वैक्सीन्स दिए हैं क्लियर वैक्सीन प्रोडक्शन और इन वैक्सीन्स को हम क्या बोलते हैं डी एन ए वैक्सीन्स क्लियर इसमें हमारे पास गाइस देखो एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं अब तो हमारे पास कोविड के वैक्सीन की एग्जाम्पल हो गई इसके अलावा वी हैव हेपेटाइटिस बी टाइटस बी वैक्सीन एंड हपीज का वैक्सीन ये तीन एग्जाम्पल ठीक है ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल्स हैं डी एन ए वैक्सीन थर्ड जनरेशन वैक्सीन बिकॉज दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड यू नो कि ये थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स कैसे बनते हैं ठीक है मैंने आपको वैक्सीन्स वाले टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से समझाया था प्लीज़ डू गो थ्रू इट ठीक है तो डी एन में क्या किया जाता है हम एक कोई भी सेल ले लेते हैं जैसे कि इन दोनों के केस में हमने लिया है यीस्ट सेल वेरी इंपॉर्टेंट है ना इन दोनों के केस में हमने यूज़ किया है होस्ट किसको बनाया है यीस्ट सेल को तो यीस्ट सेल के अंदर हमने हेपेटाइटिस बी का वायरस और हर्पीज वायरस के जीन्स को इंट्रोड्यूस किया तो अब यीस्ट सेल के ऊपर एंटीजेंस आ गए और अब अगर हम इस यीस्ट सेल को लेते हैं तो हमारे अंदर एंटीजन चला गया पर पूरा का पूरा वायरस नहीं गया तो इसलिए बीमारी नहीं होगी लेकिन क्योंकि एंटीजन चला गया तो उस रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ ज़रूर बन जाएंगी आर दीज पॉइंट्स क्लियर है ना दिस इज़ क्लियर सो ये हो गया हमारे डी एन ए वैक्सीन्स और द थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स क्लियर नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट एग्रीकल्चर में हमने इसका यूज़ देखा मेडिसिन में देख लिया नाउ कमिंग ऑन टू ट्रांसजेनिक एनिमल्स अब अगर हम एनिमल्स के किसी भी जीन को मैनिपुलेट करते हैं तो वो जो एनिमल्स होंगे उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह सकते हैं या सिंपली जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स बोल सकते हैं है ना अब एनिमल्स को क्यों मॉडिफाई करने की ज़रूरत है देखो सो दिस इज क्लियर कट एनसीआर टी लेट्स हैव अ रीडिंग फ्रॉम हियर देखो एनिमल्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए सी वी अंडरस्टैंड जीन्स कोई ना कोई प्रोटीन्स बना रहे हैं और वो जीन्स किसी ना किसी तरह से हमारी फंक्शनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब जीन का फंक्शन स्टडी करने के लिए क्या किया जाता है ह्यूमन के अंदर से वो जीन निकाला गया ठीक है और उसको इंट्रोड्यूस किया गया मान लो माइस के अंदर या मंकी के अंदर यूजअली माइस या रैबिट के अंदर ठीक है तो वो जो माइस या रैबिट या मंकी यूज किया गया है जिसके अंदर ह्यूमन जीन डाला गया वो माइस क्या कहलाएगा ट्रांसजेनिक माइस या ट्रांसजेनिक मंकी और ट्रांसजेनिक रैबिट ठीक है सो so ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं दे आर बींग प्रोड्यूस्ड टू स्टडी द रोल एंड इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर जीन ठीक है क्योंकि ह्यूमंस कैन नॉट बी यूज एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स तो वो जीन्स को निकाल के हम दूसरे छोटे ऑर्गेनिजम्स में यू डालते हैं समझ में आई ये चीज डन चलो सो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जीन कैसे वो रेगुलेट करते हैं कैसे वो नॉर्मल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में डेवलपमेंट में क्या रोल है तो इसलिए हम ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं अपना जीन निकालो दूसरे के अंदर डालो तो वो जो दूसरा एनिमल है वो ट्रांसजेनिक है उसी के हेल्प से हम अपने जीन्स का रोल स्टडी कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व इन ग्रोथ कैन बी इंट्रोड्यूस कैन बी डन बाई इंट्रोड्यूसिंग जीन्स इन अदर स्पीशीज समझ गए ठीक है अब देखो अब ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं इनमें से 90% परसेंट नाइन्टी से भी ज़्यादा 90% परसेंट होते हैं माइस ये क्वेश्चन है कि कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है दैट इज़ माइस माइस के अलावा रैबिट वी हैव पिग्स ठीक है रिसेंटली तुमने सुना होगा कि एक बंदे में पिग का हार्ट इंट्रोड्यूस किया गया है है ना काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई कंट्रोवर्सी हुई है उस चीज़ पे। सो मस्ट टेल यू हियर इस पर एक अलग छोटा सा सेशन लूंगी बट आई टेल यू हियर कि वो जो पिग का हार्ट इंट्रोड्यूस किया गया ना वो ट्रांसजेनिक पिग का हार्ट है इट्स नॉट चलता फिरता ये जो गंद खाते हुए पिग्स हैं कि इसका हार्ट निकाला और बंदे के अंदर डाल दिया बंदा मर जाता ठीक है बट दैट इज़ अ हार्ट ऑफ अ ट्रांसजेनिक पिग अब उसमें क्या खास फैक्टर्स हैं हैंट विल स्टडी इन अ सेपरेट सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज थी आई डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दैट एंड आई शेयर इट विद यू ठीक है चलो वेयर इज़ द फर्स्ट पार्ट साक्षी फर्स्ट पार्ट मैंने नहीं कराया बच्चे अभी अभी मैं एप्लीकेशंस करा रही हूँ दो या तीन दिन में मैं आप प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर भी डिस्कस करूंगी ठीक है नाउ सी दिस इज डन नाउ स्टडी ऑफ डिजीजे अगेन अब कोई म्यूटेशन है कोई म्यूटेटेड जीन है अब वो जीन क्या रोल प्ले करेगा किस तरह के इफेक्ट्स शो करेगा उसको भी स्टडी करने के लिए अंडरलाइनिंग थिंग इज वी कैन नॉट यूज ह्यूमन एज अ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट तो उस जीन को भी किसके अंदर डाला जाएगा एनिमल्स के अंदर डाला जाएगा सो सी ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीजेस राइट इन विच इन्वेस्टिगेशंस एंड न्यू ट्रीटमेंट्स स्टडी करने के लिए डिजीज किस तरह से डेवलप हो रही है उस जीन की वजह से वो स्टडी करने के लिए वी विल यूज दीज ट्रांसजेनिक एनिमल्स मॉडल्स किस बीमारियों के लिए सी डिजीज लाइक कैंसर सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग्स की डिसऑर्डर होती है रिमोटॉयड आर्थराइट अल्जाइमर्स इन सब की स्टडी करने के लिए क्योंकि ह्यूम्स को यूज़ नहीं किया जा सकता इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते है? factors, uh, में, में, में करते हैं तो हमारे अंदर कई तरह के ग्रोथ फैक्टर्स हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। सो अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ग्रोथ रिपेयर हीलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोटीन्स होते हैं ठीक है बाकी हम अलग लेवल पर बात करेंगे hmm. चले नेक्स्ट आता है गाइस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ठीक है अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स देखो जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन अब ये ऐसा प्रोटीन है जो कि एमफाइसीमा जैसी डिजीज़ेस को क्योर करने के लिए जरूरी होता है एम्फाईसीमा इज अ स्मोकर्स डिजीज यू रिमेंबर हेल्थ ह्यूमन रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हो स्मोकर्स डिजीज एम फाईसीमा जिसमें कि एल्वियोलर वॉल्स डिग्रेड हो जाती हैं डैमेज हो जाती हैं अब एम फाइसीमा का और कोई इलाज नहीं है एम फाइसीमा इज अ डिजीज़ जो एक बार हो गई तो और ज़्यादा खराब हो सकती है लेकिन ठीक नहीं होती है ठीक है तो उसको और ज़्यादा एग्रवेट होने से बढ़ने से रोकने के लिए वी नीड एल्फा वन एंटी ठीक है अब ये जो एंटी ट्रिप्सिन बनाने वाला प्रोटीन है सॉरी जो ये प्रोटीन है इसको बनाने वाला जो जीन है ये हमने इंट्रोड्यूस किया है एक गोट के अंदर ठीक है सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस जीन इन गोट जिसका नाम है ट्रेसी ट्रेसी ठीक है इस ट्रेसी के अंदर ऐसा जीन है जो कि इस प्रोटीन को बना सकता है तो यानी इस गोट का दूध पीने से ये बीमारी ठीक हो सकती है इंटरेस्टिंग राइट बिकॉज दिस ह्यूमन प्रोटीन इसका जो जीन है इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस गोट क्लियर तो ऐसे ट्रांस तो ये जो गोट है जिसके अंदर हमने ह्यूमन प्रोटीन बनाने वाला जीन इंट्रोड्यूस कर दिया ये गोट क्या कहलाएगी ट्रांसजेनिक गोट कहलाएगी जेनेटिकली मॉडिफाइड गोट कहलाएगी आधीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है चलो सो so, इसी तरह से और बहुत सारी डिज, डिजीजेस के लिए बनाया गया है सेकेंडली सेकेंड एग्जाम्पल है रोजी की ये देखो रोजी इज अ ट्रांसजेनिक काओ फर्स्ट एग्जाम्पल ट्रेसी सेकेंड रोजी ये एक काओ है जिसके अंदर ह्यूमन्स का वो प्रोटीन बनता है जिसका नाम है एल्फा लैक्ट एल्ब्यूम सी ह्यूमन एल्फा लैक्ट एल्ब्यूम नाउ दिस प्रोटीन इज फाउंड इन मदर्स मिल्क ठीक है दिस मिल्क इज फाउंड दिस प्रोटीन इज फाउंड इन मदर्स मिल्क लेकिन जिन बच्चों की मदर्स नहीं है या मदर्स किसी भी रीज़न से फीड नहीं कर पाती सो so उन बच्चों को नॉर्मल काओ का मिल्क प्रोवाइड करने से कहीं बेटर है कि हम रोज़ी काओ का मिल्क उनको दें उनको फीड करें नाउ दिस काओ कंटेन्स ह्यूमन जीन सो ये काओ क्या कहलाएगी ट्रांसजेनिक काओ कहलाएगी ठीक है नाउ द डेटा सी रोजी के अंदर जो ये मिल्क बन रहा है उसमें ये प्रोटीन की अमाउंट कितनी है 2.4 ग्राम्स पर लीटर ये वैल्यू याद रखनी है इस पर क्वेश्चन आता है रोजी के दूध में ये प्रोटीन कितना है 2.4 ग्राम्स पर लीटर दिस इज इम्पॉर्टेंट और इस रोजी इस काओ के अंदर किसका जीन है हमारा जीन है तो ये काओ क्या है ट्रांसजेनिक काओ है ठीक है अब देखो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काव है जो 1997 में बनाई गई तुम तो में से शायद कुछ पैदा भी नहीं हुए होंगे है ना तो अब आउट ऑफ ट्रेसी एंड रोजी पहले ट्रेसी बनाई गई थी काउज में से पहली काओ ट्रांसजेनिक काओ कौन सी है रोजी है लेकिन फर्स्ट ट्रांसजेनिक मैमल दैट वॉज ट्रेसी पहले ये बना था बाद में ये बना है ये पॉइंट्स क्लियर हो गए नोट्स भेज दूंगी इसी के बाद अर्थीस पॉइंट्स क्लियर तो इसलिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाने में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स का रोल होता है अब अगेन जैसे कि पहले बोल रही हूँ ह्यूमन्स को हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते ना जेन जीन्स को स्टडी करने के लिए ना डिजीज को स्टडी करने के लिए और ना ही उन डिजीज को क्योर करने के लिए जो वैक्सीन्स बनाए जाते हैं उनको स्टडी करने के लिए तो हम क्या करेंगे हम ह्यूमन का जीन लेंगे एनिमल के अंदर डालेंगे एनिमल बन गया ट्रांसजेनिक उस एनिमल के अंदर हमने जीन को भी स्टडी किया अगर वो जीन कोई बीमारी प्रोड्यूस करता है तो उस बीमारी को स्टडी किया हाउ दैट डिजीज़ डेवलप्स बिकॉज ऑफ दैट जीन दैट वी स्टडी इन द ट्रांसजेनिक नाउ इन ऑर्डर टू ट्रीट दैट डिजीज हमने कोई वैक्सीन भी बनाना है उस वैक्सीन को भी सबसे पहले किसके ऊपर ट्राई किया जाएगा उस ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही ट्राई किया जाएगा वो सेफ है कितनी डोजेज देनी है ठीक है कितना अमाउंट सेफ़ है कितना टॉक्सिक हो जाएगा वो एवरीथिंग इज स्टार्टेड फर्स्ट ऑन दैट

केमिकल कितना देना है ट्रांसजेनिक एनिमल्स इंट्रोड्यूस विद जीन्स विच कैन मेक मोर सेंसिटिव दैन द नॉन ट्रांसजेनिक दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटांस ठीक है उनको टॉक्सिक सब्सटांस दिया गया और उसका इफेक्ट स्टडी किया गया और उसके बाद रिजल्ट ऑबटेन किए गए इज क्लियर और वैक्सीन में कितनी डोजेज है ये भी स्टडी करने के लिए आर दीज पॉइंट्स क्लियर ठीक है तो पहले माइस फिर मंकी एंड देन ह्यूमन क्लियर चलो सो so, ये थे अलग अलग बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आर लाइफ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्लियर अब इतनी सारी जो बायोटेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है अब उसमें कुछ एथिक्स का ख्याल रखना ज़रूरी है ठीक है uh, अभी जैसे कोविड का वैक्सीन भी आया तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि ये सेफ़ है या नहीं है राइट देर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थाट लोग लगे हुए हैं अपनी अपनी बातें मारने खैर बट वैसे भी अगर हम कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट uh, करते हैं तो उसमें एथिकल इशूज ज़रूर आ जाते हैं ठीक है सो गवर्नमेंट ने अपनी कुछ ऐसी बॉडीज़ बनाई हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेट की हैं विच इंश्योर्स कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सेफ होना चाहिए ये नहीं कि आप बेशक कुछ बहुत माइंड ब्लोइंग चीज बनाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन उस प्रोसेस में कुछ ऐसा जीएमओ क्रिएट हो गया कोई ऐसा वायरस बन गया जिसने कि रिजल्ट आने से पहले ही तहलका मचा दिया सो एवरीथिंग नीड्स टू बी रेगुलेटेड नाउ लिसन या इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की है ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ठीक है अब ये कमेटी क्या करती है आप कभी भी कोई ऐसी लेबॉर्टरी सेट करते हो या कोई भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो यू आर जनरली डूइंग दिस इन कोलेबोरेशन विद सम लेबॉर्टरीज़ ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना और उनके ऊपर रेगुलेशंस होती हैं इन लोगों की वॉट डू दे सी कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो उसकी वैलिडिटी क्या है यानी कि वो सेफ़ है या नहीं है और उसको अगर इंट्रोड्यूस किया जाता है पब्लिक में तो होपफुली इट विल नॉट कॉज एनी हार्म ठीक है जैसे कि हमने बीटी क्रॉप्स की बात की सिर्फ बीटी कॉटन है जिसको लाइसेंस मिला है बाकियों को भी लाइसेंस नहीं मिला क्यों नहीं मिला बिकॉज दे आर नॉट बींग अप्रूव्ड बाय दीज कमेटीज़ अभी हमें नहीं पता है कि वो जो क्रॉप्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स होंगे या नहीं होंगे सो दे आर नॉट बींग अप्रूव्ड बाय दीज कमेटीज़ अनलेस कि उनकी पब्लिक सर्विस में उनकी जो वैलिडिटी है सेफ्टी जो है वो चेक नहीं हो जाती ठीक है सो द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर पब्लिक सर्विसेज हैज क्रिएटेड प्रॉब्लम विद द पेटेंट्स ऑल्सो अब देखो एक और चीज़ है तुमने इंश्योर कर लिया कि जो तुम रिसर्च कर रहे हो ये सेफ है ठीक है ओके अब उसके बाद ये भी एक चीज़ आती है कि मान लो मेरा एक आइडिया था और तुम मेरी लेबॉर्टरी में आए मैंने बहुत विश्वास के साथ तुम्हें अपनी पूरी रिसर्च बता दी है ना तुम अपनी लैब में गए तुमने मेरी ही टेक्निक यूज़ करके एक प्रोडक्ट बना दिया क्लियर सारा क्रेडिट किसको मिल जाएगा तुम्हें टेक्निक किसकी थी मेरी राइट्स किसके थे मेरे होने चाहिए थे पर मुझे अब उसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा तो जो बंदा या जो ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक यूज कर लेती है विदाउट प्रॉपर परमिशंस एंड विदाउट आस्किंग एंड कॉम्पनसेटिंग फॉर दैट तो उसको हम बोलते हैं बायो पायरेसी चुराना है ना तो टॉरेंट से मूवी सब ने डाउनलोड की हुई है क्या करते हो तुम पायरेसी करते हो जिन्होंने मूवी प्रोड्यूस की जिनके पास ये सारा पैसा जाना चाहिए उनके पास नहीं जा रहा तो इसी तरह से हम बायोलॉजी में भी हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की टेक्निक्स में भी ऐसे करते हैं कुछ लोग करते हैं ठीक है कि किसी और की टेक्निक को चुरा लिया क्लियर तो वो क्या कर रहे हैं वो बायो पायरेसी कर रहे हैं सो सी व्हाट इज़ बायो पायरेसी पेटेंट पे बाद में आते हैं बायो पायरसी सो यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टी नेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथोराइजेशन ठीक है एंड पीपल कंसर्न विदाउट कॉम्पनसेशन जब तक तुम उनको कॉम्पनसेट नहीं करोगे उनको प्रॉपर फीस नहीं दोगे और उनकी टेक्निक यूज़ कर लोगे उनके कॉपी राइट्स चुरा लोगे दैट इज़ बायो पायरसी क्लियर डेवलप्ड कंट्रीज पेटेंट द नॉलेज एंड रिसोर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ठीक है कि ये क्या कर लेंगे इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो चुरा लेते हैं तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी नाउ दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट देखो ये सीधी सीधी लाइन आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग तो जो इंडस्ट्रलाइज डेवलप्ड नेशंस हैं इनके पास पैसा बहुत है बट दर पुअर इन बायोडाइवर्सिटी वेयर एज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज वेयर एज जो डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास बायोडावर्सिटी बहुत ज़्यादा है दे आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज बट दे डोंट हैव रिसोर्सिस तो ये क्या करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज उनके नॉलेज उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज को चुरा लेंगे उनकी टेक्निक्स को चुरा लेंगे सो दिस इज कॉल्ड बायो पायरेसी ठीक है सो ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्स कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप द मॉडर्न एप्लीकेशन एंड कैन बी यूज टू सेव टाइम एंड एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन क्लियर अब लास्ट नॉट द लीस्ट टॉपिक इज़ बायो पेटेंट्स अब अगर मेरी टेक्निक है तो मेरे पास उसके कॉपी राइट्स होने चाहिए ठीक है उसको हम कहते हैं पेटेंट करवाना अब अभी अगेन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं कि जो मेरी मेरी एक टेक्निक बनाई मैंने एक डिस्कवरी की मैंने एक ब्रीड डिस्कवर की है ना वैरायटी बनाई अपनी टेक्निक यूज़ करके उसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देंगे और कह देंगे जी ये तो हमारा है एंड अमेरिका इंग्लैंड दीज कंट्रीज़ हर बिन डूइंग दैट अ लॉट ठीक है सी राइस हमारी जो स्टेपल डाइट है राइस और हमारे इंडिया में देखो अराउंड दो लाख वराइटीज़ हैं इंडिया के अंदर ही ठीक है और उसमें से ट्वेंटी सेवन वराइटीज़ हैं बासमती की इंडिया के अंदर अकेले पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही नाइनटीन में क्या हुआ अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका पेटेंट अपने नाम पे करवा लिया अब हमें दिक्कत क्या है दिक्कत यह है कि अगर पेटेंट अमेरिका के पास चला गया तो राइस इंडिया में बाकी कंट्रीज़ में बहुत महंगा हो जाएगा यानी अपनी ही फसल ग्रो करने के लिए हमें पहले यूएस से परमिशंस लेनी पड़ेंगी उनको कॉम्पनसेटरी पेमेंट देनी होगी और राइस जो कि हर बंदे की एक स्टेपल डाइट है ठीक है इवन द पुअर मैन दे फीड ऑन राइस अ लॉट नॉट वीट क्लियर तो उन लोगों को भी वो खाना बहुत महंगा हो जाएगा इसलिए वी कैन नॉट लेंड दिस एंड प्लस इट इज़ आर आर ओन यू नो बायो रिसोर्स हाउ कैन वी लेट एनी वन का मैन टेक इट अवे सो दिस विल अलाउ द कंपनी टू सेल न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन यू एस एंड अब्रॉड अपना पेटेंट करा के अब ये न्यू वराइटी में उन्होंने किया क्या था देखो इस न्यू वरायटी में इन्होंने क्रॉस करवाया था डिराइव्ड बाय क्रॉसिंग इट विद द सेमी डु ऑफ एंड क्लेम्ड इट एज एन इन्वेंशन एक कोई और सेमी डुफ वेराइटी के साथ क्रॉस करवाया नई ब्रीड बनाई वेराइटी बनाई और बोल दिया जी बासमती हमारी सो द पेटेंट एक्सटेंड्स टू द फंक्शनल इक्वेलेंट्स एम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग बासमती कुड बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द पेमेंट पेटेंट ठीक है तो अभी हम अप जितने इजीली जाके राइस खरीद लेते हैं या जिस भी प्राइस पर खरीदते हैं या गरीब भी खरीद पुअर पीपल आर ऑल्सो एबल टू यू नो बाय देट वो बहुत मुश्किल हो जाता ठीक है so, सो इसलिए और इसी तरह से तुलसी नीम हल्दी इन सब के ऊपर ये चोरी करने की कोशिश की गई है बट इंडिया वॉज विजिलेंट इनाफ एंड गॉट दोज पेटेंट्स बैक क्लियर टर्मरिकस हल्दी के ऊपर भी किया गया हल्दी नीम के ऊपर किया गया इंग्लैंड अमेरिका इनके काफ़ी किस्से हैं क्लियर हो गया सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर तो बायो पायरेसी भी बता दिया मैंने तुम्हें एफर्ट्स देखो बायो पायरेसी को दूर करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने एक बिल निकाला इंडियन पेटेंट्स बिल क्लियर और जब ये किस्से हुए ना कि बहुत फ्रीक्वेंटली दूसरे कंट्रीज़ जो हैं हमारे बायो रिसोर्स पर पे अपना पेटेंट कराने लगे तो तब एक सेकेंड अमेंडमेंट की गई थी इस बिल के अंदर इस सेकेंड अमेंडमेंट में कुछ ऐसे क्लॉज़ रखे गए जो कि इमीडिएट इफेक्ट्स के साथ हम अपना पेटेंट वापस ले सकते थे कंसिडर इशूज रिगार्डिंग द पेटेंट टर्म्स इन एमरजेंसी प्रोविजन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशियटिव एमरजेंसी प्रोविजन उसके अंदर इंट्रोड्यूस किए गए समझ में आ गया हाँ इंडियन पेटेंट बिल आपको यह याद रखना है कौन सी अमेंडमेंट की गई थी सेकेंड अमेंडमेंट दिस इज द क्वेश्चन हियर ठीक है सो दीज वर दो विद चैप्टर इज ओवर तो अभी हमने क्या क्या कर लिया है सो दिस वॉज द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वेट या तो इस चैप्टर के अंदर हमने की है एप्लीकेशन लेट्स हैव अ क्विक रिविजन एग्रीकल्चर के अंदर हमने पढ़ा है गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए एनरिच किया हमने पढ़ा है फ्लेवर एंड सेवर जिसकी राइपनिंग को हमने डिले किया है बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम है ना पॉलीगेलेक्टरोनेज एंजाइम को कोड करने वाले जीन को ब्लॉक कर दिया थर्ड हमने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए हैं पीटी क्रॉप्स एज वेल एज ट्रांसजेनिक टोबैको ये चार एग्जाम्पल्स हमने की हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में एनिमल्स के फील्ड में हमने बात की कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्यों बनाए गए डेवलपमेंट स्टडी करने के लिए वैक्सीन सेफ्टी के लिए डिजीजेस को स्टडी करने के लिए बिकॉज ह्यूमन्स के नॉट बी यूज एज मॉडल्स राइट ऑल्सो फॉर मेकिंग मैनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक रोजी एल्फा लैक्ट एल्बिन बनाती है ट्रेसी एंटी ट्रिप्सिन बनाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा क्लियर एंड देन वी ऑल्सो टॉकड अबाउट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मेडिसिन में हम प्री सिम्प्टोमेटिक स्टेज में अर्ली डायग्नोसिस करने में यूज कर सकते हैं एंड वी रेड थ्री टेक्निक्स पीसीआर सी एलाइजा एंड एंड ऑटो रेडियोग्राफी वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक इंसुलिन राइट एंड वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट मेडिसिन के अंदर जीन थेरेपी एंड डी एन ए वैक्सीन्स आर दीज पॉइंट्स क्लियर सो आई होप कि एन सी आर टी एफ तुम्हारी सारी क्लियर हो गई है दिस सेशन वॉज फॉर टर्म टू एग्जाम्स ऑल्सो फॉर क्विक रिविजन फॉर एर नीट एग्जाम तो नीट सारा मैंने कवर कर सॉरी एन सी आर टी सारी कवर कर दी है इसके अलावा तुम्हें दो तीन चीज़ें एक्स्ट्रा भी बता दी थी जैसे फ्लेवर सेवर नहीं है जैसे सुपरबाग नहीं है आपकी एन सी आर टी में और ज़्यादा डिटेल में धीरे धीरे कि तुम मेरे साथ प्रॉपर नोट्स भी बना सको वो भी हम करेंगे बट प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि ये जो है ये नीट के लिए नहीं है तो मुझे डिटेल डी करना है दिस इज़ फॉर एवरी वन जस्ट क्लियर ऑल राइट इज़ मॉलिकुलर डायग्नोसिस डन हाँ जी प्रियंकर वो भी करवा दिया सो यू कैन ऑलवेज रिवाइन एंड वॉच इट अगैन क्लियर नोट्स अभी सेंड हो जाएंगे ऑन द टेलीग्राम चैनल सो इफ यू हैव नॉट जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप फटाफट से कर लेना आई एल बी सेंडिंग दिस नोट्स ठीक है नोट्स अभी आ जाएंगे रविंदर राइट आफ्टर दिस क्लास ऑल राइट थैंक यू सो मच नाउ आई एल सी यू टूमोरोड वील कॉन्टिन्यू विद द चैप्टर ऑफ हेल्थ एंड डिजीजेज ठीक है चलो सी यू थैंक यू सो मच एंड टा बाय बाय